ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में किसी ने हमारे मोबाइल फोन से बैंक अकाउंट को हैक कर लिया और उसके अंदर जितना भी पैसा हमारी लाइफ टाइम सेविंग्स होती, पूरे के पूरे $214 million उसने वो निकाल ली। लास्ट $5,000 उसने पता नहीं क्यों छोड़े, वो भी निकाल लेता भाई। बट हाँ यार, जो भी हो, ये सारे के सारे पैसे मैंने अपने नए वाले शोरूम में गाड़ियाँ खरीदने के लिए बचा रखे थे, ताकि जैसे अपना नया शोरूम बने मैं उसके अंदर ढेर सारी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी, फरारी सारी लाकर खड़ी कर दूँ, और जब वो बिकेगी तो अपना बहुत प्रॉफिट होएगा। बट फिलहाल अभी सारा पैसा जा चुका है, और जैसे ही मुझे इस बात के बारे में मालूम पड़ा, मैंने सीधा लेस्टर को कॉन्टैक्ट किया। लेस्टर ने अपनी फ्रेंड, हैकर फ्रेंड को बुला के एक ऐसा डिवाइस मुझे दिया जिससे हम लोग ये ट्रेस कर सकते थे कि आखिर जिसने हमारा बैंक लॉगिन किया हमारे फ़ोन के अलावा, उसकी लोकेशन। तो वो चीज़ों में मालूम पड़ गई। बट जैसे ही हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचे, हमें हैकर भी वहाँ पे मिल गया। बट तभी मालूम पड़ा कि ये जो हैकर है, ये सारा पैसा टेररिस्ट को दे चुका है। मतलब यार, गलती उस बंदे की भी नहीं थी, वो उसने इसलिए करा था क्योंकि उन टेररिस्ट ने उसके भाई को किडनैप कर लिया था पैसों के लिए। बट फिलहाल यार, जो भी हो, लास्ट टाइम अपने टेररिस्ट से बहुत गलत वाली फाइट हो गई थी। जो हालत आप देख पा रहे हो ना, अभी मैं पिल बॉक्स हिल हॉस्पिटल में, मैं लास्ट टाइम किसी और हॉस्पिटल में गया था, बट मुझे मालूम पड़ा कि ये हॉस्पिटल ओपन हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को भी बुला लिया है। फ्रैंकलिन को इसलिए बुलाया क्योंकि ट्रेवर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैंने तो आर्मर पहना हुआ था, और ट्रेवर अपनी हेल्प करने आया था मुझे टेररिस्ट से बचाने के लिए RPG लेकर। उसने भाई मतलब अपनी जान खतरे में डाल के हमें तो बचा लिया, बट उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ भाई, चक्कर वक्कर से आने लगे, और अभी इस टाइम पर वो अंदर ही है, डॉक्टर से देख रहे हैं। फ्रैंकलिन को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि भाई अभी मुझे गाड़ी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोग को याद होगा भाई, एल रूबियो डगन बॉस की लड़ाई चल रही है बहुत गलत वाली, और हमें डगन बॉस को ख़त्म करना है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सारा मेरे को लग रहा है डगन बॉस की हरकत है भाई। उसने इतने टेररिस्ट को अपने पास रखा हुआ है ना, पूछो मत। फिलहाल गाइस, अभी बातें कम करते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एल रूबियो ने लास्ट टाइम मुझे कायो पेरिको आइलैंड बुलाया था, बट अभी वो खुद ही लॉस सैंटोस आ गया है, और आपको पता होगा कि आज रात 12 बजे डगन बॉस का बर्थडे है, और उसका प्लान है कि हमें उसे निपटाना है आज ही। बट कहाँ पे वो, मतलब का जाना तो हमें नॉर्थ एंटन ही पड़ेगा, शायद अभी ही हम लोग जाने वाले हैं। फिलहाल छोड़ो यार, ये जो बैग है इसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन मैंने डॉक्टर से ले लिया, जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है। फ्रैंकलिन अपना यहाँ पर गाड़ी लेकर आया हुआ है, जाना मुझे रात के 4 बजे था, बट पता ही यार हॉस्पिटल में टाइम लग जाता है, इसीलिए सुबह हो गई है। और एल रूबियो भी भाई भड़केगा मेरे ऊपर, बट कोई नहीं यार, आज डगन बॉस को निपटा के ना अपनी ज़िंदगी भैया नॉर्मल जीनी है, वरना डगन बॉस से जो हमने खतरा, मतलब यार समझ ही रहे हो ना, आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम किस तरीके से एल रूबियो की भाई पूरी की पूरी आर्मी को मिसाइल गिरा के उसने फुड़वा दिया था। कोई आइडिया नहीं है वो मिसाइल कहाँ से आई थी, बट हाँ यार जो भी हो, बहुत डेंजर थी। फिलहाल जल्दी से भी हम लोग फ्रैंकलिन की न्यू कार में बैठते हैं। भाई महंगी महंगी कार ले लेता फ्रैंकलिन भी, और इस टाइम पर एल रूबियो लॉस सैंटोस के बॉर्डर पर आया हुआ है, तो फटाफट से गाइस हम लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही है, फ्रैंकलिन ने इसे मॉडिफाई भी करवा दिया यार अच्छा खासा, मतलब क्या ही मस्त स्पीड में ये चल रही है भाई, मतलब अलग ही मजा आ रहा है। फिलहाल हाँ यार, बातें कम करते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, उसकी नई गाड़ियाँ ठुकनी नहीं चाहिए। हाँ तो बातें कम करते हैं, पहुँचते हैं जल्दी से गाइस हम लोग एल रूबियो के पास। ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुँचने वाला हूँ सीधा उस लोकेशन पे जहाँ पे मुझे एल रूबियो ने मिलने के लिए बुलाया था। बस मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को एकदम प्यार से राइट मोड़ना है, और वो कह रहा है कि वो किसी बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पर है लॉस सैंटोस की, क्योंकि हम लोग जो अपनी कन्वर्जेशन अभी करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल गाइस देखो, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा था, और अभी भी मैंने ना पीछे एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है। मतलब क्या यार, वो जो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मेज बैंक टावर भी उसके आगे छोटा लग रहा है। बट यार अभी कल तक मैं यहाँ पर आया था, मुझे कोई बिल्डिंग नहीं नज़र आई थी, पता नहीं यार क्या सीन है। फिलहाल यार जो भी हो भी ना, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं। भाई कसम से वो जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा ही ऊंची है, बाद में ना पास चल के देखेंगे। फिलहाल ये फ्रैंकलिन की कार है, थोड़ा बहुत ध्यान रखूंगा, और ये गाड़ी सच्ची में काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है, इसलिए वैसे पता है अपने लिए महंगी नहीं है, बट अपने पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, बैंक खाली हो चुका है, इसलिए भाई ये गाड़ी अभी अपने लिए बहुत महंगी हो चुकी है। और एक ऐसी सी जगह पर मिलने के लिए बुलाया, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है। एल रूबियो यहीं पर आया, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? उसने वैसे देखो यार, मैं सही बताऊं तो लोकेशन उसने मेरे को यही दी थी, बट मुझे यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा। और ये देखो भाई, उसके सिक्योरिटी गार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ गए हैं। फटाफट से ना गाइस हम लोग चल कर इनसे बात करते हैं, और देखते हैं भाई क्या सीन है। भाई अलग ही आउटफिट पे, भाई कसम से पूरी की पूरी आर्मी वो दोबारा से ले आया, वहाँ पर उसकी जितनी आर्मी थी सबको जो है एल रूबियो ने मार दिया था।
और उतनी आर्मी वो दोबारा यहाँ पे लेकर आ चुका है, बट वो कहाँ पर है मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं ना एक बार ऊपर चलकर देखता हूँ क्योंकि कुछ बॉडीगार्ड्स वहां पर भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार एल रूबियो कहाँ पर है। वैसे कुछ नहीं, यहाँ पर भी काफी सारे बॉडीगार्ड्स और इन पतली पतली गलियों में इसने अपने जितने भी टैंक्स है ना उनको खड़ा कर दिया है। फिलहाल ओ वो रहा सामने एल रूबियो, लेट्स गो, फटाफट से हम लोग चलते हैं इससे मिलने के लिए। भाई वहां क्या कर रहा है भाई, एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो, इसकी इतनी ज्यादा फोर्स डगन बॉस ने उड़ा दी और ये उतनी ही फोर्स यहाँ पर दोबारा लेकर आ चुका है। भाई ताकत तो बहुत है यार इसमें भी, ऐसी बात नहीं है। ओके 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 गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल एल रूबियो से बात हो चुकी है और यार मुझे तो लग रहा था कि वो जो लास्ट अटैक डगन बॉस ने इसके बेस पे इसके आइलैंड पे करवाया था ना वो बिग ब्लास्ट, उसके बाद मुझे लग रहा था कि अभी डर जाएगा चुपचाप बैठ जाएगा, बट नहीं, इसका गुस्सा तो भी और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये कह रहा है कि कल उसका बर्थडे है, मींस आज रात 12 बजे ही उसको ये निपटाने वाला है। भाई कितना गलत सीन होगा, जिस दिन बेचारा वो पैदा हुआ था उसी दिन वो मरने वाला है। फिलहाल जो भी हो, ये कह रहा है कि अभी मैं तुम्हें पूरी प्लानिंग बताने वाला हूँ, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा वरना हम लोग उसे नहीं मार पाएंगे। तो चलो देखते हैं आखिर प्लान है क्या। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल एल रूबियो से बात हो चुकी है और इसने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हमें डगन बॉस को मारना है और उसको मारने के लिए लॉस सैंटोस क्यों आया है। फिलहाल सबसे पहले चल करना मैं इस पीछे वाली गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि इसने जो काम मुझे दिया है ना वो काम काफी ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा रिस्की है, उसमें हमें सच्ची में बहुत ज्यादा ही खतरा है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी में। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ आखिर वो काम है क्या। तो देखो यार, सबसे पहली बात ये है कि डगन बॉस अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए लॉस सैंटोस आ रहा है, आज रात 12 बजे उसकी पार्टी होनी है। हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर, बट इतना पता है लॉस सैंटोस में होनी है। इसने लॉस सैंटोस के पूरे बॉर्डर पर चारों तरफ ये ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं कि डगन बॉस कहाँ से किस व्हीकल से आने वाला है। हम लोग उसे बीच रास्ते में नहीं मारेंगे क्योंकि वो होगी पागलपंती, बीच रास्ते में उसके पास दबा के सिक्योरिटी है, खाली पीली हम लोग फंस भी सकते हैं या फिर वो भाग भी सकता है। इसलिए हमें उसे जिस रेस्टोरेंट में या फिर जिस जगह पर वो पार्टी करेगा उसी जगह पे घेर कर मारना है, वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सब कुछ रेडी हैं। बाकी ये गाड़ी उसने मुझे इसलिए दी है, वो कह रहा है कि उसकी पार्टी में ना तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। चीज़ें नहीं है एक्चुअली, वो लोग हैं। पहली चीज़ उसकी एक बहुत ज़्यादा बस भर के, पूरी एक बस भर के सिक्योरिटी गार्ड आ रही है पता नहीं कहाँ से, उस सिक्योरिटी गार्ड्स को मुझे रोकना पड़ेगा। तो इसने कहा है उस बस का तुम एक्सीडेंट करवा दो और एक्सीडेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो नेचुरल लगे, मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने जानबूझ के गाड़ी लाके ठोकी है। मेन चीज़ ये है कि हमें उस बस का एक्सीडेंट करना है और बाकी दो ऐसे VIP लोग हैं जो कि इसकी पार्टी में आ रहे हैं और वो ये कह रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े आदमी है और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और अगर वो पार्टी में पहुँचेंगे तो सीधी सी बात है सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, आधी डगन बॉस की सिक्योरिटी आधी उनकी सिक्योरिटी, इसलिए हमें उन्हें भी पार्टी में नहीं पहुँचने देना है। ये कह रहा तुम उन लोग को बीच रास्ते में उड़ा देना या फिर उनको भी जो है मार डालना, तुम्हार को जो मन करे। तो ये जो गाड़ी है स्पेशली ये बंदा उड़ाने के लिए है, बंदा नहीं पूरी पूरी बस ये आराम से उड़ा सकती है। इसको ना मैं गाड़ी पे ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, क्योंकि पता चला बाद में वो मैं जो बंदे आ रहे हैं उसके उस बस को उड़ाने जाऊँ और बस उड़े ही ना अपने साथ स्कैम हो जाएगा भाई, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उतर के सारे मेरे को मारेंगे जो भाई गलत ही सीन हो जाएगा। फिलहाल चेक करते हैं, मान लो ये उनकी बस है, मुझे इसे गिराना है या फिर इनका एक्सीडेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा। ओ भाई ये बहुत डेंजरस है, ये वैन मुझे मालूम है बस से तो हल्की है बट इतनी भी हल्की नहीं है, ये बस को इजीली उड़ा सकता है, जो ट्रक है या फिर मॉन्स्टर ट्रक इसे हम लोग कहेंगे। भाई एक बार ये देखना है इसमें क्या क्या ऊपर, भाई क्या क्या लगा हुआ है इसके अंदर का इंटीरियर देखो। ओ भाई ये ऐसा ट्रक है ना कि गोली तक नहीं आने वाली अंदर एक भी। तो ओके गाइस, अभी ना मुझे 10 मिनट में एल रूबियो की दी हुई लोकेशन पे पहुंचना है। वो कह रहा है कि वहां पर डगन बॉस के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अपना ट्रक लेकर पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने से पहले हमें उनका एक्सीडेंट करना होगा वरना आगे चल के हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे यार देखो, अभी ना मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक रिस्की शॉर्टकट मार लेते हैं, लेट्स गो। भाई वैसे ही इतना खतरनाक ट्रक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है एक्सीडेंट को लेकर, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर जमीन पर गिर भी जाता है ना तो हमें तो कुछ नहीं होने वाला और साथ ही ट्रक को भी कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अगर मैं रोड ओके, ये काफी ज्यादा परफेक्ट जंप थी, हम लोग एकदम सही आए हैं। मुझे गाइस अभी यहाँ से ना ज्यादा दूर नहीं, सीधा ही निकलना है। ओ भाई सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जान मुझ के नहीं करा। भाई ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, हल्की सी टक्कर मारी और उस बेचारे की पूरी गाड़ी पलट गई। वैसे जगह तो वो यही है, अब मुझे कोई बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मैं उनका एक्सीडेंट करवा पाऊँ। फिलहाल लेफ्ट साइड में ना बैरिकेड जो है टूटा हुआ है,
बट वहाँ से मैं उनका अगर ट्रक भारी हुआ तो मैं उसे नहीं गिरा पाऊँगा, मुझे कोई बढ़िया जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं वैसे देखो गाइस, उनकी जो बस है ना वो इसी हाईवे से आने वाली है और आगे कुछ जाएगी वो, तो मेरे हिसाब से ये वाली जगह फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। अगर वो यहाँ से आते हैं और मैं उन्हें नीचे गिराऊंगा तो भाई या तो वो पानी में जा के गिरेंगे, वैसे पानी में गिरेंगे तो बच सकते हैं, नहीं यार भाई ये ट्रक ऐसे टक्कर मारेगा ना बस चटक जाएगी भाई पूरी, मेरे को लग रहा है फूट ना जाए, डर बस इस बात का है। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं अपने ट्रक को ना यहीं पर छुपा के खड़े कर देता हूँ। और उनका जो ट्रक है ना गाइज, मुझे एल रूबियो ने बताया कि उनका ट्रक ब्लू कलर का है, तो बस मुझे बस उसका ध्यान रखना है। अपने ट्रक को मैं यहाँ पर खड़े कर देता हूँ। यार ये छोटे मोटे पत्थर है ना ये, इसके चक्कर में ये अपना, अरे यार भैया। ओके 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 गाइज, तो अभी फिलहाल मैंने अपने ट्रक को इधर अंदर छुपा के खड़े कर दिया है, अभी वेट करते हैं कि वो लोग कब आते हैं। और मुझे यार एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर ना कोई गाड़ी खड़ी कर आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी बस या फिर उनका ट्रक वहाँ से आता है। हेलो हेलो सर 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 सर, एक मिनट, गाड़ी रोको भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली, चलो भाई फटाफट से तीनों बार चुटकी में, ठीक है चलो चलो चलो, तुम दोनों में मेरे साथ जाओगे? ये दोनों लोग मेरे साथ ही जा रहे हैं और इसको मोटे को दिक्कत हो रही है कोई, मेरे लगनी नहीं चाहिए, पागल है क्या ये, एक सेकेंड रुक जाओ, तेरी भैंस की, अंधा है क्या बे, आराम से ले जा रहा था मैं गाड़ी, तेरे को समझ नहीं आई, एक मिनट रुक जाओ, इसकी एक और बजाने पड़ेगी, गन निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई अब बोल फालतू, बोलेगा ठीक है यहाँ से, यार खाली पीली गाड़ी के लिए पूरे चारों बंदों के आगे पिटाई करवाई है इसने अपनी, वो मेन हाईवे पे पिटाई। फिलहाल मैं इसकी गाड़ी ना गाइस ले जाकर यहाँ खड़ी करने वाला हूँ, ताकि वो लोग अपने ट्रक को ना यहाँ से आगे लेकर ना जाएं। पे जाना तो तेरी है, निकल यहाँ से, उसको मारो ना मारो तेरे को जरूर मारूंगा, उठ के निकल ले चुपचाप, अपनी गाड़ी में घुमा लेता हूँ, लेट्स गो। यहाँ पर गाइस इसको मैं पार्क कर देता हूँ। अब देखो अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है तो सीधी सी बात है उसको रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक ना लग जाए उस चक्कर में, या फिर वो राइट मोड़ के ना निकाल ले। वैसे जब तक वो राइट मोड़ेगा ना तब तक तो मैं उसका खेल ही खत्म कर दूंगा। इसको थोड़ा सा और घुमा लेता हूँ, बस बस भाई अभी एकदम परफेक्ट है। अब उतरते हैं इस वाली गाड़ी से और जल्दी से चलते हैं अपने मॉन्स्टर ट्रक में बैठने के लिए और वेट करते हैं उनके ट्रक के आने का। वैसे अभी ट्रक की आवाज़ आई, ये दूसरा ट्रक है, ये दूसरा ट्रक है, उनका ट्रक स्काई ब्लू कलर का है, मिलिट्री टाइप ट्रक है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चल के बैठते हैं अपने मॉन्स्टर ट्रक में और उन लोगों के ट्रक के आने का वेट करते हैं। वैसे यार देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जब उनका ट्रक आ जाएगा तब अपने मॉन्स्टर ट्रक में बैठूंगा या फिर तब इसे स्टार्ट करूंगा, भाई इसको अभी से ही स्टार्ट करके रख लेते हैं और एकदम मस्त निशाना लगा लेता हूँ, मतलब एकदम पूरी रेस दे के रखूंगा। वहां पर एक और ट्रक आया था बट सही है कि ट्रक बगल से निकल गया, वरना आज मुझे इसको भी ठोकना पड़ जाता। अभी कुछ भी हो जाए भाई वो ट्रक ना मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। वैसे यार देखो अपना ट्रक ना है तो बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है कि मुझे कुछ होगा, बट थोड़ी सी टेंशन इस चीज को लेकर है कि कहीं उनका ट्रक ना बच जाए। फिलहाल सामने से दो ट्रक आए हैं, एक ब्लैक ट्रक तो आगे निकल गया बट दूसरा ट्रक दूसरी वाली रोड से आया इसलिए वो वहां पर आके रुक गया और यही है वो ट्रक जिसको मुझे उड़ाना है। 3, 2, 1 लेट्स गो, निकल तेरी ऐसे की तरफ से, कितने सारे बंदे इसके अंदर बैठे हुए थे भाई, एक सेकंड भाई गया ये तो, भाई साहब इतने सारे मिलिट्री के बंदे, मिलिट्री के नहीं ये सारे के सारे उसके टेररिस्ट थे जो कि उसमें से गिरे हैं। और भाई पूरा ट्रक पानी में डूब चुका है और मेरा ट्रक भी पानी में फंस गया भाई। एक्चुअली मेरा ट्रक फंसा नहीं है, चल तो रहा है बट किसी बहुत गलत जगह पे टक गया। सही है भाई कि मैं पानी में नहीं गया, बस बस बस, वरना इधर तो बच गया, वो वाला पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा है। मुझे यार अभी ना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये तो ऐसा मतलब एक्सीडेंट हुआ है कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जितनी बॉडीज है वो सारी फ्लावर से नीचे आके गिरी है और यहाँ पर ये वाला जो ट्रक है ये भी पानी के अंदर पूरा डूब चुका है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कोई बंदा जिंदा तो नहीं रह गया ना, यार ये पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना, पता चला मेरा ट्रक डूब जाए, ले लेते हैं रिस्क, देखा जाएगा। ओ नहीं 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 ये ज़्यादा गहरा था बट अपना मॉन्स्टर ट्रक भी किसी से कम नहीं है भाई साहब, पूरा पानी में डूबने के बाद भी एकदम मस्त तरीके से चल रहा है। तो ये देखो भाई ये थे सारे के सारे सोल्जर्स जो कि इसके अंदर बैठ कर आ रहे थे भाई साहब, मतलब कुछ गलत ही लेवल टेररिस्ट उसने यहाँ पर बुलाए थे। बंदे तो इतने सारे गिरे थे बट मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा ट्रक से उतर ही नहीं पाए और वो जाके गिरे हैं सीधा पानी में। ट्रक यार पूरा गायब हो चुका है, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। एक बार ही ना मैं पानी के अंदर जाकर देख लेता हूँ, कहीं पता चला कोई जिंदा रह गया है और छुप के बैठा हो। वैसे यार ये देखो यहाँ पर सबकी आपको मतलब एक एक बंदे की बॉडी इधर नज़र आ जाएगी, एक उधर गिरा हुआ है, मैक्सिमम बंदे इधर होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये रहा भाई पूरा ट्रक डूब गया भाई, ये तो ब्लास्ट हो गया भाई। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि अभी मुझे अपने दूसरे टारगेट पे भी जाना है। अब दो VIP लोग हैं जो कि इस पार्टी में आने वाले हैं अपनी सिक्योरिटी लेकर, तो मुझे उन्हें आने से रोकना है। यहाँ पर भाई आइए एम्बुलेंस आइए, यहाँ पर मुझे निकलना होगा। चलो 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 अभी फिलहाल जल्दी से मैं बैठता हूँ अपने ट्रक में, वरना कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो
फंस सकते हैं हम लोग। ये वाला रास्ता काफी ज्यादा सही है, ऊपर हाईवे पे मैं नहीं जाने वाला, इस वाले रास्ते से निकलते हैं और किसी सेफ जगह पे चल के ना मैं फटाफट से एल रूबियो को कॉल करता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर है उसकी लोकेशन दो, ताकि हम लोग उसको जाके उसको भी निपटाएं। वैसे यार ये ट्रक कसम से जब पानी में डूब के उस पार निकल गया था ना, तब तो मुझे अब इस पर पूरा विश्वास हो गया कि भाई इस ट्रक से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेकर उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और अभी ना मेरी एल रूबियो से दोबारा कॉल पे बात हो गई है और वो कह रहा है कि जो अपने सेकंड टारगेट है वो भी लॉस सैंटोस ही आ रहा है अभी की अभी, और इस टाइम पर वो है सैंडी शोरेस वाले हाईवे पे, वही वाला हाईवे जिस हाईवे के थ्रू हम लोग जाते हैं ट्रैवर के गांव। फिलहाल मुझे इस वाले कट से अपने ट्रक को राइट मतलब कि लेफ्ट मोड़ना है और अभी जल्दी से वहां के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जो काम है मुझे जल्दी जल्दी करना है। अगर वो लोग लॉस सैंटोस पहुंच गए ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मारते हैं एक प्यारा वाला कट लेफ्ट को। वैसे देखो जितने भी हाईवे वाले रोड होते हैं या फिर इस टाइप के रोड होते हैं ना, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे कोई पतली गली आती है ना तो सीन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर लॉस वेगास गैंग के बंदे हैं, इन्होंने उस दिन पंगे ली थे ना तुम्हारी भैंस की लो गाड़ी, आज इन्हें पता चलेगा। भाई 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 एक सेकंड रुक जाओ, अभी खाली पीली हरकतें नहीं करनी उसको। ये दोनों उधर देख रहे हैं भाई, इनको पता ही नहीं चला इनकी गाड़ी उठा के फेंक दी मैंने। फिलहाल हाँ यार वो जगह थोड़ी बहुत दूर है, जल्दी से पहुंचते हैं। हाँ तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैं तो उस हाईवे पर पहुंचने वाला हूँ, बट आप लोग ना एक बार सामने की तरफ में देखो। पहले यहाँ पर टोटल 3 से 4 बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, बट अभी वो वाली जो बिल्डिंग है ना वो मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। मतलब इन उसकी हाइट भी इन सब बिल्डिंग से ज़्यादा है, ऊपर से वो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी है। कुछ टावर उस पर लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, बट हाँ यार ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से ना पहले पहुँचना पड़ेगा। मेरे को यार बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले मैं इधर से गया था तब मुझे कोई बिल्डिंग नहीं दिखी, और 2 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाना तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं यार। मतलब अपना शोरूम बनने में 1 महीना हो गया है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। बट ये वाली आप लोग ये देखो भाई, अब दिख रही है ना भाई कि एकदम हाँ कितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ये भाई। या तो ये उसके बराबर है या फिर उससे ज़्यादा लंबी है, उससे छोटी तो नहीं है। फिलहाल हाँ यार जो भी हो, हाईवे पर हम लोग आ चुके हैं, अब देखते हैं कि हमें कितना आगे जाना है। वो कह रहा है कि वो जो उनकी जिस गाड़ी में वो बंदा आ रहा है वो सुपर डायमंड है, मीन्स रॉल्स रॉयस जैसे दिखती है वो कार, और उसके आगे पीछे दो दो हमारे उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के, और भी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनसे हमें थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा। फिलहाल जल्दी से मैं पहले आगे पहुँचता हूँ, देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा ट्रैवर के गाँव में। आगे वाले कट से मुझे अपने ट्रक को जो है लेफ्ट मोड़ना है। वैसे यार मैं ना काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ, बट अभी तक मुझे वो लोग नज़र नहीं आए हैं जिनको मारने के लिए मुझे एल रूबियो ने यहाँ पर भेजा है। पता नहीं यार कहीं ऐसे तो नहीं कि वो किसी और रास्ते से सीधा लॉस सैंटोस निकल गए हों। अगर ऐसा है ना तो फिर भैया बैंड बज जाएगी, क्योंकि लॉस सैंटोस मुझे पहले तो बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा और वहां पे जाके उन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल यहां पर भी नहीं, और पीछे टेररिस्ट की बग्गी खड़ी हुई है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, गाड़ी पूरी छिल जाएगी अगर मेरे से भिड़े होगी, ठीक है ना, इसीलिए भाई कमी पंगे लेने की कोशिश करो। फिलहाल यार मुझे तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी आसपास नजर नहीं आ रही है, इस तरफ में 2 बंदे खड़े हुए हैं। इनसे उतर के पूछो कि क्या तुमने कोई सुपर डायमंड देखी। वैसे हाँ सुपर डायमंड उस गाड़ी का नाम है जिस गाड़ी में वो बंदा बैठ के यहाँ पे आ रहा है, बट मुझे अभी तक वो गाड़ी भाई कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, कहीं इस वाले कट से वो लोग राइट तो नहीं निकल गए या फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे गाइस सामने मेरे को 3 गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही है। हेलो, वो देखो सामने ना 3 गाड़ियाँ जा रही है, और उसने मेरे को बोला था कि हाँ उसके जो बॉडी गार्ड्स है वो हमर में है, और यहाँ पर मुझे 2 हमर नज़र आ गई, और बीच में सुपर डायमंड है, वो भी भाई गोल्ड की कार है। वो भाई कौन है यार ये इतना ज़्यादा अमीर बंदा जो कि इस रास्ते से आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता तो भले ही घटिया, बट शायद ये पलीटो से आ रहा होगा। तो गाइस यार देखो मुझे इन लोगों को मारने के लिए ना एक बढ़िया सिचुएशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हाईवे है और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है ना तो ये लोग यहाँ से बहुत तेज भाग भी सकते हैं। फिलहाल आगे वाले कट से ना ये शायद राइट लेने वाला है, इसलिए मैं भी अपना थोड़ा सा शॉर्टकट मार के आता हूँ, ताकि ये जैसे यहाँ पर, ओ भाई वो सीधा निकल गया, मुझे लग रहा था यहाँ से राइट लेगा। वैसे राइट क्यों लेगा यार, वापस थोड़ी जाना है उसे। एक सेकेंड, ये हाईवे पे जाने वाला है, अभी मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। मैं इससे पहले हाईवे पे पहुंच जाता हूँ, और जैसे ये आएगा ना मैं अपने ट्रक को इसके आगे खड़ा करके मेन जो बंदा है ना उसको मार के उसका खेल खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अपने ट्रक को ना गाइस हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, उसकी गाड़ी यहीं से आने वाली है। जल्दी 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 उतरना पड़ेगा, कहीं उसको शक ना हो जाए अपने ऊपर। अपनी गन में बाहर निकाल लेता हूँ, मेरी गाड़ी का गेट कैसे टूट गया भाई। अच्छा इतनी देर से जो टक्करें मार रहे हो ना भाई, गाड़ी अपनी कमजोर पड़ गई है। रुक जाओ, वहाँ पर इन लोगों ने मुझे देखा तो नहीं है, मैं चुपचाप आके बैठ गया हूँ। एंड यहाँ पर वो उसने अपनी गाड़ी साइड से निकाली, तेरी भैंस की, निकल यहाँ से, रुक जाओ। इसके तो मैंने रख के बचा दिया भाई, मेन बंदे को तो मैंने मार दिया है, उसकी वाइफ पीछे उतरी है उसको। अरे यार वो बच गया, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने भाई गड़बड़ कर दी यार इस बारी, वो दोनों अपने वहाँ से भाग चुके हैं।
मेरे भी काफी ज्यादा बुरी तरह बजा दे। ये ट्रक को क्या हो गया अपने? हेलो यार, काम के टाइम पे ये बढ़िया नहीं चला। हटो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उस बंदे को मेरे को सबसे पहले मारना है यार। मैंने सही है मास्क लगा रखा था, उन्होंने मेरा फेस तो नहीं देखा होगा। यही है भाई, वो दोनों, इसको मारा। चलो भाई निकलो, इन दोनों का खेल मैंने कर दिया है खत्म। एक बार देख लेता हूँ उसके अंदर जान बची है या फिर नहीं। उसके बॉडी गार्ड सभी भी पीछे खड़े हैं, मेरे को वहाँ से उनसे भी लड़के आना पड़ेगा। भाई ये ट्रक ने इतने खराब टाइम पे मेरे को धोखा क्यों दिया? तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे से लड़ोगे तुम? एक गाड़ी खड़ी, एक हेरी, इसको तो मैं ब्लास्ट ही कर दूंगा। ओके, इस वाले ट्रक में अपनी ग्रेनेड लॉन्चर है, और वो गाड़ी इतनी मजबूत है ग्रेनेड लॉन्चर से फटने का नाम नहीं ले रही। रुक जाओ, मेरे को साइड रुकना पड़ेगा भाई। पहले मैंने उसको ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद इनसे भिड़ूंगा, ताकि ये लोग भाग ना जाए। अभी इसकी ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को। हेलो यार, ट्रक सच्ची में बहुत बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा भाई। इस टाइम पर नाच रहा है पूरे में, हर कसम से ऐसे टाइम पर धोखा नहीं देना चाहिए। फिलहाल मेरे को यहाँ पर पहले अपनी गन बाहर निकालनी है, एंड अभी मेरे को जाकर ना सबसे पहले तो इसे मारना है ताकि दोबारा उठे ना। अरे एक सेकेंड गाइस, ये बंदा थोड़ा बहुत जाना पहचाना नहीं लग रहा? ऐसे लग रहा है कि इस बंदे को मैंने पहले कहीं पर देखा हुआ है। ये शायद से वही होटल वाला बंदा तो नहीं है? एक बार हम लोग इसके होटल में गए थे, पर मैंने वहाँ पर इसे मार दिया था। ये जिंदा कैसे बचा हुआ है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मेरे को अच्छे से याद है मैंने इसे मार दिया था, पर पता नहीं यार, क्या पता ये कोई और हो या फिर वो मरा ही ना हो। और ऊपर बंदे आ चुके हैं, ये मेरे को पार मारे, उससे पहले मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। ओ, ओ सिर्फ हाथ निकाल के मार रहे हैं भाई, पूरा पीक लो ना। ओ तेरी, निकल यहाँ से। एक तो गया, एक तो गया, अब दूसरे बंदे के पड़ने वाला है देसी कट्टा। हेलो, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। एक दो तीन, चलो सारे डाउन है। और अभी एक मिनट, इनको ऐसे ही नहीं मारूंगा। एक मिनट हो गया, तुम्हारा एकदम मस्त आविष्कार सा कर दिया जाए। कोई हो रहा है, कोई हो रहा है, कोई हो रहा है, ये रहा। चल तेरी गाड़ी, नीचे से गेट खुला हुआ है उसका, ठीक है? रोल्स रॉयस नहीं, जो पूरा गेट कवर कर लेगी। फिलहाल यहाँ पर इन्हें मैंने डाउन कर दिया है। ये लास्ट बंदा बचा हुआ है, इसको भी मारते हैं भाई कसम से। एल रूबियो ने अच्छा प्लान बनाया, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी वहाँ पहुँच जाती तो वहाँ पर चल के हमें दिक्कत करती, और अगर ये मिल जाती डगन बॉस की सिक्योरिटी के साथ और जो तीसरा बंदा आने वाला है उसकी सिक्योरिटी के साथ, तो बहुत गड़बड़ होती। फिलहाल दो बंदों को हमने ठिकाने लगा दिया है। इसकी गोल्ड रॉल्स रॉयस भी यहाँ पर खड़ी हुई है। मेरा बहुत ज़्यादा मन तो है कि इसको मैं यहाँ से उठा लूँ, और ये लोग अभी भी बचे हुए हैं। रुक जाओ, इनकी गाड़ी मैंने, भाई मुझे लग रहा था सारे मारे गए हैं, पर ये लोग यहाँ टिके हुए हैं। रुक जाओ, इनकी गाड़ी तो गई, तुम तो गए बेटा, निकलो गाड़ी से बाहर। चलो 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 चलो, अभी ही इनकी बैंड बजेगी गंदी वाली। कूद जाओ बेटा गाड़ी से वरना मरोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चारों बाहर आ जाओ। तुम्हारी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से। तू भी निकल। और ये बचा है, ये भी गया, एक बंदा और बचा हुआ है, ये भी जाएगा, गंदे वाला ही जाएगा। रुक जाओ, आ गया, निकल यहाँ से तू भी। चलो फाइनली जितने बंदे थे सबको डाउन कर दिया। गाड़ी का पेट्रोल यहाँ पे लीक कर रहा है भाई। सब चारों ऐसे बैठे हुए थे ना गाड़ी में SMG लेकर, इंतजार कर रहे थे कब मैं आऊँ और कब ये मेरे से भिड़े। पेट्रोल लीक होने के बाद ही गाड़ी फटी है। वाह, जाते जाते ना इनकी गोल्ड रॉयल्स रॉयस भी मैं फोड़ के चले जाता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इनकी गोल्ड रॉयल्स रॉयस में भी आग लगा के उसको पूरा फोड़ डाला है। लेट्स गो, अभी हमने अपना पूरा काम कर दिया है। इस बंदे को हमें बस मारना था, दिखाना नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा काम अपना हो चुका है, एल रूबियो से पता करते हैं तीसरा टारगेट कौन है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहा हूँ अपने तीसरे टारगेट के आने का, बट अभी तक यार वो लॉस सैंटोस एंटर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने एक छोटा सा कॉफी ब्रेक ले लिया है। देखते हैं यार वो कब तक आता है। वैसे गाइस एल रूबियो ने मुझे बोला है कि तुम इसे पहले मारना और उसके बाद ना एक बढ़िया सी पुलिस की गाड़ी का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हमारे पास एक पुलिस की कार रहेगी तो हमारे लिए भागने में भी आसानी होगी अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि यार देखो डगन बॉस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए एल रूबियो को भी थोड़ा सा लग रहा है कि हमें भागना पड़ सकता है। और पुलिस की गाड़ी का फायदा यह है कि उसमें होता है सायरन, और सायरन बजाते ही पूरा रोड जाता है साफ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और दूसरी एडवांटेज ये है कि हम लोग किसी भी VIP लोकेशन पर एंटर कर सकते हैं। मेनली तो VIP लोकेशन पर एंटर करने के लिए हमें एक पुलिस की गाड़ी चाहिए होगी, और वो भी कोई नॉर्मल पुलिस की कार नहीं, सीधा कमिश्नर की कार उसने लाने के लिए बोला है। फिलहाल देखते हैं लाते हैं, और मैं मेरे से ना यहाँ पर और वेट नहीं हो रहा, आधे घंटे से मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। और अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ सीधा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक पुलिस की गाड़ी का जुगाड़ करने, क्योंकि पता चला भाई मैं यहाँ पर पूरा दिन वेट करता रह गया और वो आया भी नहीं। वैसे गाइस देखो अभी ना कुछ फिक्स नहीं है कि डगन बॉस लॉस सैंटोस कब आएगा, मतलब पूरी की पूरी डगन बॉस की सिक्योरिटियाँ चारों तरफ लॉस सैंटोस का पूरे सैन एंड्रियास के बॉर्डर पर लगी हुई है। कहीं से भी अगर वो एंटर होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो आ चुका है।
बट अभी तक वो आया नहीं है। खैर छोड़ो, देखते हैं कब आता है। वैसे रात में तो आएगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, पहले ही आएगा। तो अभी ना फिलहाल के लिए मैं अपना मॉन्स्टर ट्रक लेकर निकल लेता हूँ सीधा LA मैसा वाले पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और इस बंदे की गाड़ी अभी बच गई वरना बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ठुकती, क्योंकि इसका जो टायर है वो भी बहुत ज्यादा ही डेंजरस है यार। टायर तो काफी ज्यादा अच्छे थे देखने में, पर उसके ऊपर का जो क्रोम के ऊपर उसके कुछ कवर लगा हुआ था वो उतर गया है। और अभी देखो टायर कितने ज्यादा घटिया लग रहे हैं भाई। हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ है ना पूछो मत। फिलहाल अभी मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ना यहाँ पर थोड़ी बहुत कम सिक्योरिटी होती है बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक। वैसे यार एक सेकेंड भाई साहब, इस बिल्डिंग की वजह से इस पूरे के पूरे एरिया में तो धूप ही नहीं आएगी आज के बाद कभी। भाई ये कब में बनी यार बिल्डिंग, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अपना जो पुराने वाला घर है वहाँ पर तो फिलहाल मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत धूप आ रही है, बट जैसे जैसे सनराइज करेगा धूप तो बढ़ेगी। बट फिर भी ये वाला एरिया आप लोग देखो भाई, पूरा का पूरा छाँव से, मतलब यार इसकी परछाई आ रही है पूरे पे। और सन की तो लाइटनिंग भैया गायब ही होगी इस एरिया में। भाई ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा ऊंची है, एक बार में पूरी नज़र भी नहीं आ रही। रुक जाओ, इसके लिए तो भाई साहब अपना कैमरा भी पूरा पीछे करना पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बिल्डिंग है ये। मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ना रिसेंटली बनी है, मतलब कि, बट फिर भी यार इतनी तेज थोड़ी बन जाएगी। खैर छोड़ो यार, पता नहीं क्या ही सीन है इस बिल्डिंग का। हम लोग अपने काम पे, अपनी ड्राइविंग पे फोकस करते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि वो जो बिल्डिंग है ना एक मॉल के ऊपर बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है। और ऐसा लग रहा है कि ना जैसे उस मॉल से वो बिल्डिंग यूं करके खुल गई हो भाई साहब। लेकिन जो भी हो, वो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा ऊँची। जो भी उसकी छत पर जाएगा ना भाई, उसको पूरा लॉस सैंटोस का पूरा माउंट शिलियार्ड भी नहीं भाई, पूरा सैन एंड्रियास नज़र आने वाला है। फिलहाल यहीं पर है वो पुलिस डिपार्टमेंट। में काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं बट अभी तक मुझे मिला नहीं है, शायद से वो थोड़ा सा आगे जाके है। ओके, तो फाइनली गाइस मैं पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच चुका हूं। मुझे ओ भाई यहां पर तो बाहर ही काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि इधर कम सिक्योरिटी होती है भाई। यहां पर तो 5-6 पुलिस ऑफिसर्स बाहर ही खड़े हुए हैं। मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक को ना यहीं पर छुपा के खड़ा कर देता हूँ। 4-5 गाड़ियाँ उनके सामने तो है। एक तो यार ये देखो, इसके टायर पहले कितने अच्छे थे और ये क्या हो गया, पूरा कवर ही हट गया और ये वाला गेट तो टूट ही गया था भाई। वहाँ पर जो उसके बॉडी गार्ड्स की गाड़ियों में मैंने इसको ठोका था ना भाई, तब तो ये भी लग रहा था कि यहाँ थोड़ा बहुत कमजोर पड़ गया है। फिलहाल यहाँ पर एक पुलिस वालों की गाड़ी तो खड़ी है, सामने भी 3-4 कार है। बट यार ऐसे डायरेक्टली मैं कार नहीं उठाने वाला, मुझे ना अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग अपने लिए ड्रेस का और एक फेक आईडी कार्ड का जुगाड़ करेंगे। आईडी कार्ड में रियल वाले ले लूंगा, उस पर बस एक फेक पिक्चर लगानी है अपना, बस दूर से दिखाने के लिए हो जाए और हमें कहीं पर भी एक्सेस मिल जाए। बाकी हेलो ऑफिसर, हाउ आर यू? ओके, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। अबे क्या हो गया भाई, ये लड़ने तो नहीं आ रहा ना भाई? मुझे लग रहा था कि मारने आ रहा है मेरे को। ठीक है, मैं डायरेक्टली अंदर नहीं जाने वाला, मुझे कोई और रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। ये पुलिस ऑफिसर कहाँ पर जा रहा है देखता हूँ, अगर इससे अपना काम हो जाए ना तो बढ़िया रहेगा। इसकी आउटफिट ले लूँगा तो कुछ ना कुछ सीन हो सकता है। चल, आराम से चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ा सा किसी भाई, यहाँ पर वैसे काफ़ी सारी कार्स खड़ी है, कार्स का जुगाड़ इजीली हो जाएगा। बस मुझे कैमरे में नोटिस नहीं होना है कि आराम से जा तो रहा है पर मैं इसे लपेट दूँ क्या गाइस? मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मुझे कोई देख पाएगा या फिर नहीं। वैसे भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं आया हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट ही है पूरा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। पूरी खाली पीली बस एक राउंड मारने आया था यहाँ पे। यार मैं यार क्या कर दिया इस बंदे ने, रुक जाओ अभी इसकी नहीं यार इसकी ऐसे सॉरी कुछ नहीं, मेरे पास है ही नहीं नाइफ। भाई ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है, मैं इससे पंगे नहीं लेने वाला। इससे बढ़िया तो हम लोग ना डायरेक्ट अंदर चलते हैं और चुपचाप से घुसते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और देखते हैं कि भाई मैं कमिश्नर तक पहुँच पाता हूँ या फिर नहीं। वैसे एक नॉर्मल पुलिस वाले की भी ड्रेस मुझे मिल जाएगी ना तो काम हो जाएगा, बट एक कमिश्नर का मुझे ड्रेस नहीं, उसका आईडी कार्ड मुझे चाहिए होगा। ये वाला एरिया मुझे थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। अपना नाइफ मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ और इसके मुझे ना अभी रख के बजाना पड़ेगा। हेलो सर, निकलती रही ऐसी की तैसी। चलो भाई ये तो हो गया ढेर, अभी यहाँ से अपना एक ड्रेस का जुगाड़ हो गया है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इस पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन ली है और उसकी बॉडी उठाकर मैंने इस डस्टबिन में डंप कर दिया और यहाँ पर जितना भी ब्लड था जितना हो सका मैंने साफ कर दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा पुलिस डिपार्टमेंट में। वैसे एक सेकेंड, अगर अभी मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ तो मुझे पुलिस वालों की तरह ही हरकत करनी चाहिए ना। पहले तो एक गन अंदर रखो और सही से चलो, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ पता नहीं है, ये लोग मेरे ऊपर शक करे। और अभी मैं एक पुलिस ऑफिसर की तरह फुल चोड़ में यहाँ चलने वाला हूँ। यहाँ पर दो लोग खड़े हैं और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मैं अपना आगे चलता हूँ। वैसे यार देखो, ये जो सामने वाला रूम है ना, ये मुझे कमिश्नर का ही लग रहा है, बट वहाँ टेबल पे एक लेडी बैठी हुई है और शायद से इस पुलिस डिपार्टमेंट की कमिश्नर वही लेडी है। यार ये तो अपने साथ बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया। सॉरी मैम, मैं गलती से अंदर आ गया। मैं अंदर किस लिए जा रहा हूँ भाई, अभी कोई फायदा नहीं है उसका कार्ड चुराने का।
क्योंकि जेंडर का सीन पड़ जाएगा यार, अभी मुझे किसी और पुलिस ऑफिसर का कार्ड चुराना पड़ेगा या फिर पूरा ही मेरे को फेक कार्ड बनाना पड़ेगा। बट उसमें यार थोड़ा बहुत रिस्क है, फंसने के अपने चांस है। यहाँ पर एक रूम में अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। इधर से मैं बाहर, ये बाहर का रास्ता है, ओके मुझे भी बाहर नहीं जाना। मुझे यार मेरे को ना यहाँ से सीधा बाहर निकलना है। मेन गेट से गाड़ी चुराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इनकी पार्किंग वार्किंग ऊपर है उसकी, यहाँ पर तो पूरा सर्वर रूम बना रखा है इन्होंने छोटा सा। पूरे सारे सर्वर एकदम लाइव चल भी रहे हैं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ ये वाला रास्ता कहाँ पर जाता है। ओ भाई ये लग रहा है बॉडी चेक होती है यहाँ पर, और कैमरा भी लगा हुआ है। भाई मेरा कैमरे में फेस आ, मुझे भाई ये सब नहीं करना। मैं एक बारी नज़र से जाके देखता हूँ, मुझे इनके पीछे वाली पार्किंग में पहुँचना है विदाउट चेकिंग। बाहर से जाऊँगा तो ओ मैं तो सीधा, भाई कहाँ आ गया ये। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ स्टेयर्स आ रही है नीचे, लेट्स गो। फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं। एंड मुझे नहीं पता कि अभी मैं ये कहाँ पर जाने वाला हूँ, और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा नीचे। यहाँ पर भी एक गेट है, हम लोग अंदर चल के देखते हैं। ड्यूटी बैग रूम ऑथराइज पर्सनल ओनली, ओके हम ऑथराइज। वैसे यार यहाँ पर मुझे एक कार्ड मिला, ये कार्ड अपने काम आ जाएगा, किसी पुलिस ऑफिसर का ही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने ये कार्ड उठा लिया है। यार अभी मेरे को यहाँ से ना निकलना है, ये आगे एग्जिट पता नहीं ये कहाँ पर निकलेगी। जो आगे गाड़ी खड़ी है ना, मैं वहीं से कोई ना कोई गाड़ी उठाकर यहाँ से निकल लेता हूँ। बट यहाँ पर तो एक लंबोर्गिनी सेंटेनारियो खड़ी हुई है, वो भी पुलिस वालों की। वाओ भाई, ये कार मिलिट्री कर्नल अपने साथ लेकर आता है, और मेरे हिसाब से उसने हर एक पुलिस डिपार्टमेंट को एक एक कार दे रखी है, ताकि जब भी वो लॉस सैंटोस आए तो ये लोग उसके सिक्योरिटी के लिए ये गाड़ी लेकर पहुंच जाएं। गाड़ी तो चाहिए थी, गाड़ी भी मिल गई है, कार्ड नहीं मिला। बट कार्ड वो जो मिला है वो फेक वाला है, उससे अपना काम हो जाएगा। फिलहाल जल्दी से ना इस गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई कसम से ये काफ़ी ज़्यादा ही मेरे को बढ़िया लग रही है, लेट्स गो। अपनी गाड़ी मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, अभी तो किसी ने मेरे को देखा नहीं। वैसे देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग एक पुलिस ऑफिसर ही हैं। मुझे यहाँ से जाना तो यार वैसे देखो राइट में ही है, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ता हूँ, लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा वापस उसी जगह पर जहाँ पर तीसरा टारगेट अपना आने वाला है। वैसे गाइस यार कुछ भी कहो, ये गाड़ी है बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, मतलब स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी। और एक सेकेंड, भैंस के पुलिस वाले कहाँ से आ गए और मेरे को ही मार रहे हैं। भाई इस गाड़ी में पक्का कोई ना कोई GPS है, आखिर ये गाड़ी मिलिट्री कर्नल ने इन लोग को दी है। और अभी हो चुका है बहुत ज़्यादा ही गलत सीन, जितने पुलिस वाले हैं उन सबको मालूम पड़ गया कि गाड़ी पुलिस डिपार्टमेंट से चोरी हुई है, और सारे मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो भाई शीशा विशा मत तोड़ो, बहुत गलत सीन हो जाएगा यार, पूरी गाड़ी मेरे को भाई 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 पहले ना मैं इनसे बचता हूँ, बाद की बात बाद में देखेंगे। मेरे पास ना वैसे इनसे बचने के लिए ना भागूंगा तो ये लोग मेरे को पकड़ ही डालेंगे। मेरे को कोई, ओ भाई हेलो, ठोको मत भाई, गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है, बहुत महंगी आती है यार ये। और वैसे भी अपने पास कोई पैसे नहीं है कि हम लोग एक नई गाड़ी ले जाके खरीद लें, और वो भी पुलिस वालों की। फिलहाल मेरे को आगे वाले कट से भाई ये नहीं छोड़ने वाले। अभी मुझे ना गाइस एक टनल ढूंढनी है, मेरे को पता है यहाँ पर आसपास एक टनल है। ओ अगर मैं उस टनल में चले जाऊंगा तो मैं इन पुलिस वालों से बहुत प्यार से बच जाऊंगा, और ये मेरी गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। बट अगर इस तरीके से मैं हाईवे पे भगाऊंगा तो कुछ पता नहीं है, ये लोग टक्कर वक्कर मार के पूरी गाड़ी ही तोड़ डालें। हाँ तो गाइस ठीक है, अभी फिलहाल मुझे वो रास्ता याद आ गया उस टनल तक पहुँचने का, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं, मुझे पता था ये मेरी गाड़ी बहुत गंदी तरह ठोकने वाला है, और इसको मालूम है मैं इस टनल में ही जाऊँगा क्या। हटा अपनी गाड़ी यहाँ से, वो भाई अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। तो अरे यार इसने पूरी गाड़ी यहाँ पे रोक ली है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है यार ये लैम्बोर्गिनी। मतलब है तो फास्ट बट हम लोग इसकी कंट्रोल्स जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे यार यहाँ से बस राइट लेना है, और क्या ये साउंड आ रहा है यार इस गाड़ी का टनल में। फिलहाल साउंड वगैरह बाद में सुनेंगे। हाँ तो मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट लेना है, और अभी हम लोग उस टनल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं। अब आओ बेटा जिसके अंदर दम है, सीधे रोड पर ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ओ तेरे आ गए भाई, बट ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिलहाल मुझे बस यहाँ पर से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना, वहीं पर टनल है उसी के अंदर मैं अपनी गाड़ी भी ले जाने वाला हूँ, और मुझे नहीं लगता ये लोग उस टनल तक आकर मेरा पीछा कर पाएंगे। ये गाड़ी ना पूरी मॉडिफाई नहीं है, इसलिए इसकी जो स्पीड है उतनी अच्छी जा नहीं रही, जाएगी बट थोड़ा ना टाइम लगा रही है पिकअप लेने में। ओके फाइनली मैं टनल तक आ चुका हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर यहीं पर वेट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग इस टनल में आएंगे। वैसे गाइस एक बारी ना आप लोग लुक देखो यार इस गाड़ी की, मतलब कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और लाइट जला के तो ये और भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और लग रहा है पीछे से कोई आया, आजा आजा तेरी ऐसे की तैसी। अंदर आने से डर रहा है ना, तो पुलिस वाले से पुलिस वाले ही भिड़ेगा आज आज है। देखते हैं किसके अंदर कितना दम। भाई साहब इसको दिख ही नहीं रहा था क्या मैं इतनी देर से, या फिर एक कंफ्यूज था कि मैं पुलिस वाला हूँ या फिर चोर। मेरे को लग रहा है यही सीन होगा। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा और आ चुका है, मुझे भी पीछे निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पर ये एक एक इनको मालूम पड़ चुका है मैं टनल में हूँ। फटाफट गाइस अभी गाड़ी में बैठते हैं, इस गाड़ी को लेकर ना मुझे बैनी के पास निकलना पड़ेगा। इन लोगों ने थोड़ी बहुत ठोका ठाकी कर दी है इस गाड़ी में, और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है आगे से, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रही है। फिलहाल जल्दी से मैं इस टनल में भगा लेता हूँ अपनी गाड़ी, अब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेट्स गो, फुल स्पीड में भगाते हैं और जल्दी से। ओ नहीं 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 भाई इस तरीके से, ओ भाई मैं यही कह रहा था इस तरीके से चलाऊंगा।
तो भाई गाड़ी बिल्कुल कचरा हो जाएगी। मुझे ना आगे मेट्रो वाले कट से लेफ्ट लेना है, वहाँ पूरी इनकी मेट्रो गई हुई है, वहीं से हम लोग भी अपनी गाड़ी को निकाल लेंगे। अंडरग्राउंड पूरा रास्ता ही अंडरग्राउंड है, और अभी देखना गाड़ी कहाँ से एंटर हुई है और कहाँ को अपनी गाड़ी जो है निकलने वाली है। वैसे गाइस देखो, सुपर कार को अंडरग्राउंड चलाने का मजा एकदम अलग ही है, क्योंकि यार इनका साउंड ही इतना ज़्यादा तगड़ा होता है, और अंडरग्राउंड आकर वो साउंड और भी ज़्यादा गूंजता है, और ऐसा फील आता है भाई पता नहीं कौन सा ही एग्जॉस्ट लगा दिया कार में। फिलहाल हाँ, अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, बस मुझे इस वाले कट से ना अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेकर चलना है। लेट्स गो। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, जल्दी से मैं पहले बैनी को कॉल करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी ले जाकर इसे मॉडिफाई करे, क्योंकि भाई अभी जल्द से जल्द हमें इस गाड़ी को ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से कॉल पे बात हो गई और वो कह रहा है कि ठीक है तुम अपनी गाड़ी को लेकर उस टनल से बाहर आओ, और जो उसका पुराना मेला गैराज है ना वहाँ पर लाकर छोड़ दो, वो उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करेगा लॉस सैंटोस आके। और बाकी अभी मुझे एल रूबियो से कभी कॉल आया है और वो कह रहा है कि तीसरा टारगेट उस हाईवे वाली लोकेशन से निकल चुका है। मतलब कि यार देखो, मुझे तो लग रहा था कि हम लोग गाड़ी चुरा लेंगे, उतनी देर में वो आएगा फिर उसे पकड़ भी लेंगे जाके, बट हमने गाड़ी चुराने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। बट कोई नहीं, वो भी लॉस सैंटोस में एंटर हुआ है, अपनी फाइनल लोकेशन तक नहीं पहुँचा है, हमें वहाँ पर पहुँचने से पहले उसको निपटाना पड़ेगा। तो बैनी को गाड़ी बाद में देंगे, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहले उस लोकेशन पर चलते हैं। तो भाई कसम से इस गाड़ी को चलाने का मजा एकदम अलग है। वो नहीं नहीं, आराम से भाई, बस सिनेमैटिक के चक्कर में ठुक जाते गंदे वाला। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं ये LSPD की लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो लेकर सीधा उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे एल रूबियो ने भेजा है। कहीं यही वो होटल तो नहीं है जहां पर अपना तीसरा टारगेट आने वाला है, क्योंकि हो सकता है क्या पता डगन बॉस ने अपनी पार्टी यहीं पर रखी हो, पता नहीं यार। फिलहाल मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा और अभी मुझे उसे मारना भी है, क्योंकि अगर वो उस पार्टी में आ गया ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और शायद से ये जो कार है ये उसी बंदे की मेरे को लग रही है। आगे एक कार गई है, बीच में एक कार गई है और पीछे गई है लैम्बोर्गिनी उरुस। भाई मुझे तो लग रहा है कि यही अपना थर्ड टारगेट है, बट यार इसको यहाँ पर मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लॉस सैंटोस में मैं ये काम नहीं कर सकता। और अभी वैसे भी मेरी लैम्बोर्गिनी इसमें जो GPS लगा हुआ है इसको पुलिस वाले ऑलरेडी ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए जो भी काम है मुझे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इनकी गाड़ी ना साइड में लगवाता हूँ, रुक जाओ। अभी मैंने सायरन तो बजा दिया, बट ये कोई VIP आदमी है भाई, अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहा है। लो पुलिस है भाई बगल में, गाड़ी साइड रोक लो। ठीक है, इसने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक लिया। ओ ओ ओ भाई, ये एक सेकेंड भाई, साइड लगा ले गाड़ी, रुक जा तेरी ऐसी तैसी करता हूँ भाई। एक तो गाड़ी नहीं रोक रहा है, ऊपर से देख रहे हो कितनी चोड़ में है। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, उससे बात करता हूँ, उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और लेकर चलते हैं। और एक सेकेंड यार, ये मेरे को थोड़ा ना जान पहचान का बंदा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक बारी मैं चलकर इससे बात, यार ये तो अपने लिबर्टी वाला फ्रेंड है भाई, ये डगन बॉस की पार्टी में क्या करने आ रहा है। एक बारी पहले मैं इससे बात करता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो गई है और ये कह रहा है कि ये लिबर्टी से किसी बहुत ज़्यादा स्पेशल पार्टी में आया है। और सबसे बेकार बात तो ये कि इसने मुझे पहचाना ही नहीं, मतलब मैंने पुलिस की ड्रेस पहन ली और एक चश्मा क्या लगा लिया, ये तो भूल ही गया कि मैंने इसे शोरूम खरीदा था। फिलहाल छोड़ो यार, जो भी हो मेरे को लग रहा है LRUBIO ने हमें गलत बंदे पे भेज दिया यार। ये क्यों यार डगन के साथ रहेगा, ये खुद इतना बड़ा गैंगस्टर है, डगन का कहीं दोस्त होगा। फिलहाल ये इसको जाने देते हैं यार, मैं इसे क्यों मारूंगा, मतलब अच्छा खासा दोस्त है अपना, भले उसने हमें पहचाना नहीं बट मैं इसको जाने दे रहा हूँ। पता नहीं यार ये क्या पता किसी और की पार्टी में आए और खाली पीली हम लोग इसे मार दें। अरे ट्रक वाले को बिल्कुल अकल नहीं, ओए हटा इसको तेरी ऐसी की तैसी, VIP आदमी है भाई साहब, इनको जाने दो पहले, आराम से निकाल। भाई ये ट्रक वाला बड़ा ही बेशरम आदमी, देख रहे हो कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर। एक बार ना गाइस मैं इनका पीछा कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्या पता सच्ची में ये डगन की पार्टी में ही आया हो। एक बार ही मैं अपनी गाड़ी ना इसके पीछे लेकर चलता हूँ, चुपचाप से अपना सायरन बंद कर लेता हूँ ताकि उसे शक भी ना हो कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वैसे मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी का भी पीछा करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गाड़ी लेके ना सामने को गया है, रुक जाओ यार पहले ना मैं थोड़ी गाड़ी दूर लगा लेता हूँ। उसके सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, इसीलिए अपनी गाड़ी मैं लगाता हूँ यहाँ पे और फिर देखता हूँ वो आखिर कहाँ जाता है। ओके गाइस, तो अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये लोग अपनी गाड़ी को कहाँ पर लेकर गए हैं। एक सेकेंड भाई, मैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी गाड़ी अंदर क्या लेकर आया, ये तो सारे गायब भी हो गए और अभी तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि ये लोग यहाँ से लेफ्ट गए हैं, राइट गए हैं या फिर सामने को गए हैं। भाई यार अपने साथ अलग ही स्कैम हो गया, दूर दूर तक भी वो लोग मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी ना गाइस मुझे चारों तरफ घूम के इनको ढूंढना पड़ेगा यार, अपने साथ तो एकदम अलग ही स्कैम होते रहता है। फिलहाल एक सेकेंड, उनकी वो जो विजिलेंस है वो देखो गाइस, वो ऊपर फ्लाई ओवर से जा रही है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये लोग शायद से सामने वाले फ्लाई, मतलब कि जो बिल्डिंग है ना इसके ऊपर ही जा रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ से सामने को लाकर राइट मोड़ता हूँ। यार वैसे अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड की भी काफी ज्यादा अच्छी खासी बातचीत है लॉस सैंटोस में भी, मतलब कि यार लिबर्टी से एक स्पेशल पार्टी में आया, वो भी ऐसी बिल्डिंग में जो कि लॉस सैंटोस की सबसे महंगी बिल्डिंग और सबसे बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। वैसे यार देखो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग बनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होते हुए तो दिखा नहीं। फिलहाल उसकी गाड़ी मुझे यहीं से ऊपर जाते हुए नजर आई थी, बट अभी तक भाई कितनी ऊपर चले गए यार इतनी सी देर में, लैम्बो से भी तेज भगा रहे हैं लोग अपनी गाड़ी।
रुक जाओ थोड़ा तेज भगाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और वो फटाफट से ऊपर की तरफ में निकल गए हैं। और भाई इतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो गाड़ी से जाना ही बेकार है। यहाँ पर एक लिफ्ट लगा देनी चाहिए गाड़ियों के लिए भी, ताकि या फिर ऐसे कोई लिफ्ट लगा दो कि हाँ भाई बंदे अपना गाड़ी नीचे ही खड़ी करें और अपना लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाएं। फिलहाल देखो ये जा रही है तीनों गाड़ियाँ चुपचाप से। अभी मैं अपनी गाड़ी का सायरन वायरन एकदम बंद रख के इनका पीछा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे देखना है आखिरकार ये लोग किसकी पार्टी में जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मेरे को इनके ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि ये डगन बॉस की पार्टी में आए हैं। मैंने इसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये अपना फ्रेंड है, कहीं ऐसा ना हो ना कि ये किसी और की पार्टी में आया हो और हम खाली पीली इसको मार डालें। फिलहाल अपनी गाड़ी को ना मैं थोड़ा सा पीछे रखता हूँ, ये देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं यार किस आर्किटेक्चर ने अपना दिमाग लगा के ये बिल्डिंग बनाई है। पूरे के पूरे 10 मिनट बीत चुके हैं बट अभी तक मैं इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पे नहीं पहुंच पाया हूँ। अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी आगे आगे ही चल रहा होगा, उससे डिस्टेंस थोड़ा मैंने मेंटेन कर लिया ताकि उसे मेरे ऊपर शक ना हो जाए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। और एक सेकेंड, यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे टेररिस्ट खड़े हुए हैं भाई। हेलो, मैं अंदर आ सकता हूँ ना? वैसे मैं पुलिस वाला हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आराम से पहले अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं। और ये जो आप बैरियर देख पा रहे हो ना कुछ इस तरीके से जो इन्होंने लगाए हैं, ये इसलिए लगे हैं ताकि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, और अगर भागेगा तो तेज नहीं भाग पाया क्योंकि उसे अपनी गाड़ी राइट लेफ्ट करनी पड़ेगी। चलो सर फटाफट से गेट खोलो, टेररिस्ट हो या जो भी मैं पुलिस वाला हूँ, गेट खोलो फटाफट से। भैंस की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हेलो भाई गेट खोलो, पुलिस आई है, अंदर जाना है मेरे को कुछ देखने के लिए। इनकी ऐसे की तैसे, इनसे भी अभी मेरे को बात करनी पड़ेगी। भाई साहब यहाँ पर सारे बंदे एटीट्यूड में क्यों हैं? जितने भी टेररिस्ट हैं एकदम ही अलग फिल्म है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये वीआईपी लोगों की पार्टी है, तुम्हें किसी कीमत पे एक्सेस नहीं मिलने वाला, चाहे तुम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बुला लो तब भी तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। जा रहा हूँ ना, अकड़ क्या दिखा रहा है भाई साहब? भगा रहा है वो भी पुलिस वाले को, उसको पता नहीं है इसकी क्या हालत कर सकता हूँ मैं। ऐसे कैसे एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं खुद अंदर जाके बटन दबाऊंगा। वैसे नहीं यार, मुझे भी ना ये सब हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो नहीं काफ़ी सारे टेररिस्ट हैं भाई, पूरा भरा पड़ा एरिया। और एक सेकेंड यार, मैं पहले अपनी गाड़ी तो अनलॉक कर लूँ, पहले गेट खोलने जा रहा हूँ। ओके सर, मैं यहाँ से अपना निकल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना ठीक है, बाद में हम लोग मिलेंगे। भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा, गंदा बरसा देंगे लोग, मेरे को यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। और मैं अपना सायरन चुपचाप से बंद करके ना अभी यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। और अभी मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा एल रूबियो के पास, ये बताने के लिए कि जहाँ पर डगन बॉस आने वाला है वो जगह हमें मिल चुकी है। वैसे यार देखो, अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये जो जगह है ना, ज़रूरी नहीं है डगन बॉस की यहीं पर पार्टी हो। मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं वो सारे डगन बॉस के अंडर ही काम करते हैं। तो हो सकता है कि आप पता भाई वो अपनी पार्टी करने यहीं आ रहा हो, क्योंकि लिबर्टी वाले फ्रेंड ने भी बोला वो किसी पार्टी में आया है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगी है, वो भी डगन बॉस की, तो मैं 99% श्योर हूँ। फिलहाल हाँ यार, जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं एल रूबियो के पास, ये बताने के लिए कि यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें कोई दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा इस पार्टी में एंटर करने का। डगन बॉस अभी तक लॉस सैंटोस नहीं आया है, अब उसके आने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएँ, इस पार्टी के अंदर एंटर कर लें, तो फिर उसको मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे गाइस देखो, उसको मारना तो आसान हो जाएगा बट फिर वहाँ से बच के निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ भी थोड़ा बहुत सोच समझ के चलनी पड़ेगी। फिलहाल अभी मैं भाई पूरा कोका कोला का ट्रक जा रहा है पार्टी में, भाई सच्ची में बहुत तगड़ी पार्टी हो रही है, पूरा ट्रक ही मंगवा लिया। फिलहाल यहाँ पर लग रहा है अभी बंदों का इन्विटेशन टाइम यही है, क्योंकि अभी दो तीन गाड़ियाँ मैंने ऊपर जाती हुई देख ली है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा एल रूबियो के पास, उसको मैंने मिलने के लिए बुला लिया है फ्रैंकलिन के घर के पीछे वाली जो लेक है वहाँ पर। तो फटाफट से हम लोग भी पहुँचते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से वो तो पहुँच गया होगा, इन सब कामों में बहुत फास्ट है। और अभी जल्दी से जल्दी गाइस हमें सारा काम निपटा के पार्टी में पहले एंटर मारना है। तो गाइस देखो, अभी ना एक बहुत मस्त सीन हो गया है, मैं वहाँ एल रूबियो को फ्रैंकलिन के घर के पीछे वाली लेक पे मिलने के लिए बुला रहा हूँ ताकि उसे ये बता सकूँ कि डगन बॉस की पार्टी में घुसना एक टाइप से पूरा इम्पॉसिबल है। लेकिन वो भाई साहब जी ऑलरेडी उस बड़ी वाली बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं, डगन बॉस वहां पर आ गया और उन्हें ये बात मालूम पड़ गई थी, वो डायरेक्टली उसके पीछे पीछे वो लोग भी निकल गए। और मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई उन लोगों की एंट्री इस बिल्डिंग में कैसे हुई, भाई मतलब इसी के अंदर उसकी पार्टी होने वाली है। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग जिसकी हम सुबह से लेकर अभी तक बात कर रहे हैं, ये डगन बॉस की है भाई, पूरा कब्जा जमा रखा यार उसने अपना लॉस सैंटोस में भी। फिलहाल हाँ, एल रूबियो कह रहा है कि तुम भी अभी आ जाओ यहाँ पर इस बिल्डिंग में, क्योंकि पार्टी जो है ना वो रात में स्टार्ट होनी है और इस टाइम पर ना बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आना जाना चल रहा है, तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर बिजी है। और जो टॉप फ्लोर है जहाँ पर पार्टी होने वाली है इस बिल्डिंग के पेंट हाउस पे, वहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि हम लोग ना तुम्हारे लिए ऊपर से एक रस्सी लटका रहे हैं, तुम बस वो रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। और मेरी हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए हो रही है कि इतनी देर तक, ओ तेरी, वैसे छोड़ो यार मेरी गाड़ी है अभी नहीं, वैसे भी इसमें से अभी तक GPS नहीं है, ठोको ठोको अच्छे से ठोको।
क्योंकि इस गाड़ी को भी साइड करना पड़ेगा। बैनी को कॉल करा है, वो लॉस सैंटोस आ चुका है, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको एक गाड़ी देने जाऊँ मॉडिफिकेशन मीन्स GPS निकलवाने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ, उसने मुझे कहा कि वो जो सामने भंपाली बिल्डिंग है उधर की तरफ में आ जाओ, और ये देखो ये ऊपर से रस्सी आई हुई है, बट ये कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं है, मुझे उसे भी इसे नीचे लटकाने के लिए बोलना पड़ेगा। अपनी ये गाड़ी ना थोड़ी सी छुपा के खड़ी कर देता हूँ ताकि मुझे भी ना आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। पता चला भैया पुलिस यहाँ पर इसे ढूंढती ढूंढती आ गई, उसके बाद ऊपर भी चढ़ गई कि हाँ भाई यही बंदा है, इसी ने गाड़ी चुराई थी, उसको ले चलो पार्टी नहीं करेगा ये। फिलहाल अभी मैंने पुलिस वालों की ड्रेस तो पहनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो रस्सी भाई नीचे कैसे होगी, वो या तो मुझे कोई ट्रक लाना पड़ेगा इसके ऊपर जाने के लिए, या फिर इस रस्सी को मैं एक काम करता हूँ, एल रूबियो को बोलता हूँ कि वो इस रोप को थोड़ा सा डाउन करे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इसे फ़ोन करके बोल दिया है कि इस रस्सी को नीचे लाओ, और उसका जो बॉडी गार्ड है वो उसे धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे लेकर आ चुका है। बस 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 भाई इतना बहुत है, मैं पूरी नीचे ले जा रहा है। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं इस रोप को पकड़ के यहाँ लटक चुका हूँ। अब बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एल रूबियो के बॉडी गार्ड्स को याद आए कि नीचे कोई बंदा भी है, और वो लोग इस रस्सी को खींचे, और लेट्स गो। बोलते ही उन्होंने इस रस्सी को खींचना तो स्टार्ट कर दिया है, बट जिस तरीके से धीरे धीरे ये लोग इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है आधा घंटा अपना यहीं पर बीत जाएगा, और इतनी तो हाथ में ताकत भी नहीं होगी। पता चला रस्सी छूट जाए ऊपर जाकर। यार जल्दी करो, देखो जो भी करना है, क्योंकि अपने अंदर इतनी ताकत होगी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। इतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है और इतनी धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली पूरे के पूरे 10 से 15 मिनट तक इस रोप पे लटकने के बाद मैं इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पे पहुंच चुका हूं, और मुझे लग रहा था कि कोई बढ़िया लग्जरी सा पेंट हाउस होगा, बट यहां पर तो पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है यार। टग्गन बोस ने कुछ तगड़ी बिल्डिंग बनवाई। और एक सेकेंड, ये कौन इस रस्सी को खींच रहा भाई, बस करो यार, यहीं पर तो उतारना था मेरे को। ओके ओके ठीक है, अभी ऐसे चुपचाप से नीचे कर रहा है, वही मैं सोचूं लेकर कहां पर जाना चाहते हैं लोग। वैसे यार ये जो जगह है ना, मीन्स ये जो बिल्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा अलग ही टाइप बनी हुई है। मतलब यार यहाँ पर इतनी सारी गाड़ी वाड़ी चल रही है, अलग ही सीन है ऊपर का। तो फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग एल रूबियो के पास चलते हैं, क्योंकि वही हमें आगे का पूरा प्लान बताने वाला है कि हमें आगे क्या करना है, और या फिर क्या क्या सीन है, और तुम सेफ लैंडिंग करा दी, थैंक यू। ओके तो ये मैंने मार ली यहाँ पर प्यारी सी जंप। फिलहाल अभी ना जल्दी से मैं एल रूबियो को कॉल करता हूँ कि आखिरकार मुझे आना कहाँ पर है, क्योंकि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब इतना बड़ा पेंट हाउस में पहली बार देख रहा हूँ किसी का। फिलहाल अभी जल्दी से कॉल करते हैं हम लोग एल रूबियो को। ठीक है, अभी मेरी फिलहाल इससे फोन पे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि तुम ना फटाफट से सामने की तरफ में आ जाओ। तुम्हें ओबैंस की कितनी ज्यादा, मतलब ये प्लेन तो बहुत ज्यादा ऊंचाई से जा रहा है, बट ये जो बिल्डिंग है ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो प्लेन है बस वो यहीं से जा रहा है। हाँ, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अभी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है डगन बोस की, इसलिए तुम सीधा सीधा आते जाओ, तुम्हें सामने की तरफ में एक स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता मिलेगा, वहीं से तुम अंदर को आ जाना। फिलहाल अभी तो मुझे यहाँ पर स्विमिंग पूल ही नहीं नजर आ रहा है, तो उसमें जाने का रास्ता कहाँ पर नजर आएगा। फिलहाल सामने की तरफ में ओके ओके ओके, तो वहां पर शायद उस बोर्ड पे पूल लिखा हुआ है, और मुझे यहीं पर जाना है अंदर एल रूबियो से मिलने के लिए। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो भी रस्सियां लटक कर तो ऊपर नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे लग रहा है इन्होंने किसी ना किसी और अलग तरीके से यहाँ पर एंट्री करी है। मेरे को ना थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ेगा आगे। ओके तो ये सारे के सारे एल रूबियो के गार्ड्स ही हैं, और यहाँ पर ये अकेला नहीं पूरी की पूरी फौज लेकर आया है। बस इसके पास वो जो गाड़ियां थी ना वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल अपनी गन में पहले ना अंदर रख लेता हूँ, और अभी जल्दी से चल के मैं बात करता हूँ एल रूबियो से। भाई साहब मतलब एक बार आप लोग यहाँ पर देखो, कितने सारे बंदे यहाँ पर चुपचाप से एंटर कर गए। इस टाइम पर ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, मेन सिक्योरिटी गेट पर ही है, पर फिर भी भाई पता नहीं कैसे एल रूबियो इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया है। फिलहाल जल्दी से मैं चल के इनसे बात करता हूँ, और ये बॉम्ब क्या करना है भाई, हेलो क्या करने जा रहा है एल रूबियो। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल एल रूबियो से बात हो चुकी है, और जिस तरीके से ने मेरे को प्लान बताया है इससे पता चल रहा है कि भाई ये बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कर यहाँ पर आया था, और आज जो डगन बोस हमारे हाथों से मीन्स इसके हाथों से नहीं बचने वाला है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि उसको मैं खुद मारूंगा। चलो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, हम लोग इसकी हेल्प करवा देंगे। फिलहाल ये कह रहा है कि अभी ना जब तक उसकी पार्टी स्टार्ट नहीं हो जाती हमें यहीं पर रुकना है। वैसे यार इस ऊंची वाली बिल्डिंग से क्या ही नज़ारे आते हैं, प्लेन देखो मतलब ऊंचाई से तो जा रहा है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहा है। अगर वही चीज़ हम लोग नीचे से देखते तो बहुत दूर लगती। फिलहाल ये जो सामने वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हो ना, इसके अंदर डगन बोस आ चुका है। अभी वो इस टाइम पर शायद अंदर रेस्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, हमें वो चीज़ नहीं मालूम, बट
उस बिल्डिंग के अंदर उसकी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और वहां पर अंदर घुस के मारना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए एल रूबियो कह रहा है कि रात में उसकी पार्टी स्टार्ट होने का हम लोग इंतजार करते हैं और जब वो वहां से बाहर निकलेगा ना उसके बाद हम लोग एक एक करके ना पहले उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उन सबको ठिकाने लगाएंगे ताकि वो कमजोर पड़ जाए, उसके बाद हम लोग उसे भी लपेट देंगे। फिलहाल मुझे ना डर बस एक ही चीज का लग रहा है कि अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी यार इसी लड़ाई में लिपट ना जाए कहीं पर। फिलहाल ये वाला जो बॉम्ब है जो कि एल रूबियो कभी भी फोड़ सकता है, फिलहाल अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर अपना इस सीट पे बैठ के वेट करते हैं जब तक ये पूरी प्लानिंग बता रहा है अपने सभी गार्ड्स को, हम लोग भी सुन लेते हैं क्या करना है। तो ओके गाइस, वेट करते करते रात हो चुकी है और टाइम आ चुका है असली तबाही करने का। एल रूबियो ने भी अपने सभी बॉडी गार्ड्स को एकदम मस्त यहाँ पर रेडी कर दिया है और अभी हम सब लोग जाने वाले हैं डगन बॉस को मारने के लिए। बट उससे पहले मुझे एक काम करना है, मतलब यहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड्स हैं ना जो कि इस बिल्डिंग के बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, मैं इसे जिन जिनको मैं निपटा सकता हूँ मुझे उन्हें सबसे पहले निपटा देना होगा। और इस काम के लिए मुझे एल रूबियो ने दिया एक सप्रेस्ड स्नाइपर जिसके अंदर एडवांस स्कोप भी लगा हुआ है और साथ ही M416 सप्रेस्ड वाली, और मेरे पास ये M249 है और ये है एक स्टन गन। तो फटाफट से हम लोग अपना काम करते हैं। ऊपर से काफी ज्यादा बढ़िया म्यूजिक बजने की आवाज आ रही है, लेट्स गो, चलते हैं हम लोग धीरे धीरे इस पार्टी में शामिल होने के लिए। बट एक सेकंड, मैं अपनी गन अंदर रख लेता हूं क्योंकि अगर डगन बॉस के बॉडीगार्ड्स ने मेरे हाथ में गन देख ली तो वो लोग मुझे बहुत गंदी तरह पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन यार अगर उन्होंने मेरे को पुलिस की ड्रेस में देख लिया वो लोग तो तब भी मुझे छोड़ने नहीं वाले ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ VIP और स्टाफ मेंबर्स की एंट्री है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई इधर काफी ज्यादा भीड़ है और मुझे अभी तक तो एक भी डगन बॉस का बॉडीगार्ड यहाँ पर नजर नहीं आया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, ये जगह मैंने ढंग से देखी भी नहीं थी, एक बार ना मैं यहाँ पर छुप कर देख लेता हूँ। मेरे को यार यहाँ पर डगन बॉस तक नहीं नजर आ रहा, अपनी बर्थडे पार्टी में वो खुद नहीं आया क्या? वैसे भी 12 नहीं बजे हैं, क्या पता वो एकदम 12 बजे एंट्री मारे, पर ना ही मुझे उसका कोई भी गार्ड यहाँ पर नजर आ। ओ नहीं, मैं गलत हूँ। वो देखो वहां पर उसके टेररिस्ट खड़े हुए हैं, मुझे यार एकदम नॉर्मल बिहेव करना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि हाँ मैं इन्वाइटेड हूँ, मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ। बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत छुप छुप के चलना पड़ेगा। बाकी गाइस एक बार आप लोग सामने की तरफ में देखो, मुझे मालूम था यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि डगन बॉस आ रहा है और सिक्योरिटी ना हो। मैं अपनी स्नाइपर तो निकाल लूँ, बस मेरे को कोई देखे ना। वो देखो गाइस सामने की तरफ में देखो, एक टेररिस्ट यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, हर थोड़े थोड़े गैप पे पूरी बाउंड्री पे टेररिस्ट लगा रखे हैं ताकि कोई अगर प्लेन से भी यहाँ पर आना चाह रहा है तो वो ना आ पाए। अपनी गन अंदर रखता हूँ, सबसे पहले ना गाइस मैं काम करता हूँ इन्हीं को निपटाता हूँ, बट यहाँ से नहीं, थोड़ा बहुत क्लोज जाके इसे मारेंगे क्योंकि यहाँ से अगर मैं इनको मारूंगा ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल पहले मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। एल रूबियो इस टाइम पर पूरा मेरे भरोसे बैठा हुआ है कि अगर मैं कुछ करूंगा तभी हम लोग डगन को मार पाएंगे, अदरवाइज हमारा यहाँ पर मरना बहुत ज्यादा ही पक्का है। एक बंदे के यहाँ पर मैंने बजा दी गंदी वाली, निकल नीचे तेरी ऐसे की तैसे निकल नीचे। ओ भाई भाई भाई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि उसकी जो गन है उसमें से बुलेट्स फायर हो गई थी, वो गन तो उसके यहाँ से छूट गई थी, बट फिर भी पता नहीं कैसे। एक बार आप लोग ऊपर के नजारे देखो भाई, कैसे पटाखे पे पटाखे यहाँ फूटे जा रहे हैं। ठीक है यार मुझे ये सब नहीं देखना अभी यहाँ पर। ओके तो वो जो स्काई शॉट वाला डब्बा है वो सामने ही लगा हुआ है, इसी में से सारे वो फायर क्रैकर्स निकल रहे हैं और ऊपर जाकर फट रहे हैं। यार मैं यहाँ दिवाली देखने नहीं आया हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पर जो बंदे हैं ना इन्हें एक एक करके मुझे मारना है, यहाँ पर दो है। यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि मैं पहले साइड वाले को डाउन करूँ अपनी स्नाइपर मार के, वो ज्यादा बढ़िया है। अपनी सरप्राइज स्नाइपर मैंने इसके मारी है और काप के बंदा गया सीधा नीचे, यहाँ पर है दूसरा बंदा। हेलो, फोकस हो जाए इस पे। ओके इसके पैर पे नहीं, इसके हाथ पे मारूंगा ताकि इसको फायर करने का भी मौका ना मिले। लेट्स गो, इस बंदे को मैंने उठा के सीधा नीचे फेंक दिया है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बंद, ओ एक सेकेंड, वो बंदा उस तरफ में किसी के ऊपर तो एम कर रहा था भाई, इसको लग रहा है कि उधर से शॉट फायर हुआ है। पता नहीं यार सप्रेस्ड स्नाइपर है वो अलग ही नशे में देख रहा होगा। वैसे यार वो थोड़ा अच्छा टेररिस्ट था बट फिर भी वो मुझे नहीं ढूंढ पाया। ठीक है अपनी स्टन गन अभी हाथ में लेते हैं, धीरे धीरे मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। वैसे गाइस देखो आगे बढ़ने के लिए अगर मैं ये राइट वाली बाउंड्री का यूज करूंगा ना तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। बट एक बार ही ना मैं पहले बैक साइड में होकर आता हूँ क्योंकि आप ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हो ना डगन बॉस अभी इसी के अंदर बैठा हुआ है, बट उसको इसमें मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अंदर पता नहीं उसके कितने सिक्योरिटी गार्ड भरे होंगे या फिर कुछ ऐसा सिस्टम लगा रखा हो कि कोई भी बंदा अगर आए तो उसे ऑटोमेटिकली किल कर दे कोई मशीन। तो इसीलिए मुझे भाई अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना है। बाकी हाँ ये जितने भी ग्लास हैं सारे बुलेट प्रूफ है, अंदर का बंदे को तो मारने की दूर की बात है, अंदर का बंदा नजर ही नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं झाड़ियों में छुपता छुपता आगे तो आ चुका हूँ,
एक बार ही आप लोग वो देखो सामने कौन खड़ा हुआ है। मैंने एकदम साइलेंट किल करने के लिए वेपन निकालता हूँ, सबसे पहले मुझे इसे निपटाना पड़ेगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखे, वो जो मेन गेट है ना जहाँ से ढक्कन बॉस बाहर निकलेगा, वहां पर भी 2 से 3 नहीं पूरे 6 टेररिस्ट खड़े हुए हैं उसको यहाँ तक लाने के लिए। फिलहाल मैं ना सबसे पहले चुपचाप से इस बंदे को मारता हूँ, मैं इसके पीछे आकर बैठ चुका हूँ। चल तेरी, निकल यहाँ से भाई, क्या ही गंदा मारा है भाई 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 भाई, पूरा खुल गया होगा भाई वो बंदा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक हैच कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं। फिलहाल हाँ यार, जो भी हो मैं आपको एक बारी ना मेन गेट दिखाता हूँ भाई। ओ ये लोग मेरे को देख लेंगे, इसके पीछे से मैं छुप के दिखाता हूँ कि कैसा नज़ारा है मेन गेट का। ये देखो एक टेररिस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं इसे मार सकता हूँ बट ये काफी ज्यादा रिस्की है भाई, यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो बंदे को मेन डगन बॉस को मारने का जो काम है वो इस टाइम पर एल रूबियो को हाथों है। इसलिए मेरे से जितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं मैं चुपचाप से उन्हें मारता हूँ, उसके बाद जो भी काम करेगा वो एल रूबियो करेगा। ठीक है, अभी बस मुझे इन्हें निपटा कर यहाँ से एक सेकेंड मुझे यहाँ से लेफ्ट से जाना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं सामने भी एक बंदा खड़ा हुआ है, एक काम करता हूँ पहले ना मैं धीरे धीरे उसके क्लोज चलता हूँ, ट्री टू ट्री कवर लेकर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आगे बढ़ते हुए एक और ध्यान रखना है कि वहां पर भी एक बंदा है और जिस बंदे को मैं मारने के लिए जा रहा हूँ वो इस वाले पेड़ के पीछे। ओ तेरी, शायद उसने मेरे को देख लिया है। नहीं गाइस, शायद से मैं गलत हूँ, उसने मेरे को नहीं देखा। वो जो पीछे वाला बंदा है उसमें तो मेरे को थोड़ी सी मूवमेंट नजर आई है, बट हाँ इन्होंने शायद से अभी तक मेरे को नहीं देखा है। चुपचाप से हम लोग झाड़ियों, ओ देख लिया तेरी ऐसे की तस्वीर। तो गाइस देखो, मुझे तो लग रहा है कि ये जो बंदा है ना सबको बताने के लिए जा रहा है, अभी सबको बताया उससे पहले मैंने इसको डाउन ही कर दिया। अब चुपचाप से यहाँ पे लेटे रहे, आसपास कोई है तो नहीं, बट यार उसकी बॉडी एकदम बीच रास्ते में डाउन हो गई है। क्या यार, मेरे यहाँ तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर अब इसको कोई भी देखता है ना तो हमारा जो प्लान है वो एकदम फेल हो सकता है भाई। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया प्लान फेल हो जाएगा। फिलहाल ये वाला जो बॉडी गार्ड है ना, ये सामने की तरफ में देख रहा है, मैं भागता भागता इसके पीछे तो आ चुका हूँ और चल कर हम लोग इसे धप्पा कर देते हैं। हेलो सर, कैसे हो, निकल तेरी ऐसे कैसे। ओ भाई, दो स्टन मैंने इसके बजा दिया है और लगे हाथ हम लोग इसके ये भी मार देते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा उठने की जरूरत नहीं। ओ जान इसके अंदर अभी भी बची है भाई, स्टन गन से ज्यादा। ओके फाइनली इसने अपना दम तोड़ा। अभी हम लोग भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मुझे ना गाइस इस टावर के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ बॉडी गार्ड्स मैंने इसके ऊपर भी देख लिए हैं और पुलिस भाई नीचे से जा रही है, ऊपर थोड़ी आएगी, ऊपर डगन बॉस की सिक्योरिटी चलेगी ना कि पुलिस आएगी। भाई साहब कम से कम 10 से 15 नहीं बट फिर भी हाँ काफ़ी सारे मेन बॉडी गार्ड्स मैंने इसके डाउन कर दिए हैं। अब बस मुझे टावर पे जाना है सबसे ज़्यादा मेन बॉडी गार्ड्स को मारने के लिए, क्योंकि अगर ये मर गए, एक सेकेंड, ये मर गए तो अपना काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, इसके सीधा हम लोग हेडशॉट बजाते। ओ भाई, इसने गिरते गिरते भी एक शॉट फायर कर दिया और वो बिल्कुल अपने कंधे के बगल से निकल के गया। यार मतलब क्या ही ट्रेनिंग मिलती है तुम लोग के यहाँ भाई, कहाँ से ट्रेनिंग करती है ये, ऐसे के तैसे निकल यहाँ से। अभी इसको मैंने मार दिया है, मेरे को सप्रेस्ड का नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, खाली पीली शो ऑफ करने के लिए मैं देसी कट्टा नहीं चलाऊंगा। यहाँ पर इसके दोनों पैरों पर एकदम मस्त गोली मारी। ओ भाई नहीं, साइलेंट आराम से, चिल भाई साहब, ये तो सीधा अंधा फायर करने लग गया, तेरे को मालूम है तेरा निशाना नहीं लगेगा तो क्यों बदमाश बन रहा है। चलो ठीक है, मैंने उसको मार दिया भाई। सबसे बढ़िया अपनी स्टन गन ही है, स्टन गन से भी बढ़िया ये साइलेंट वेपन्स है, ये मारूंगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और उनकी चूँ की आवाज़ भी नहीं निकलेगी। धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना चाहिए भैया कवर ले लेके, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऊँची है तो ऊपर पहुँचने से पहले कोई भी गलत सीन ना हो जाए। एक और बंदा मुझे सामने नज़र आ गया है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली अभी मैं जाने वाला हूँ, इतना ज़्यादा साइलेंटली कि मुझे खुद ना आवाज़ आए उसकी तो बात ही दूर है। एंड लेट्स गो, निकल यहाँ से अभी, भजास की गंदे वाला। और बेटा ओ तेरी, चिंता कैसे है अभी तू, फायर मत करियो क्योंकि अगर इसने फायर करा ना, रुक जाओ मैं इसके स्टन बजाता हूँ, ये अब खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर गलती से इसका ट्रिगर पे हाथ हुआ ना तो फायर हो सकता है, बट हाँ ओ तेरी भाई, इसका हाथ था, 2 बुलेट कर ही दी इसने जाते जाते फायर। बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है तो एक दूसरे को आवाज़ नहीं जा रही होगी इनकी। यहाँ पर एक बंदा और है, इसके M4 बजाता हूँ, एक हैंड पे मारूंगा सीधा, ये दी हैंड पे। ओ नहीं, ओ ओ ओ ओ, ओ कहाँ चला रहा है भाई, मेरे दे दी इसने भाई, ये देखो इसने एक बुलेट बजा दी मेरे मरते मरते। भाई साहब कुछ भी कहो लेकिन इन टेररिस्ट का निशाना बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ओ एक सेकेंड, सामने दो लोग खड़े हुए हैं और अभी मुझे इन्हें मारने के लिए भाई कोई मिली नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी M416 का यूज करना है और ध्यान रखना है कि दोनों शॉट हेड पे ही लगने चाहिए। तो 3-2-1 लेट्स गो। ठीक है भाई, दोनों को एकदम मस्त वाला डाउन करा है। हेडशॉट मारने का ये फायदा है कि भाई ये लोग फिर तो आगे फायर करने के लायक भी नहीं रहते, बट हाँ M416 सप्रेस्ड तो है
बट स्टन गन से ज्यादा सप्रेस नहीं है, तो मुझे जितना साइलेंटली खेल हो सकता है उतना साइलेंटली खेल करना है बंदों को। एक बंदा मुझे सामने और नजर आ गया है, फटाफट से हम लोग अपना नाइफ बाहर निकालते हैं और अभी ले जाके घुसेड़ देते सीधा इसके पेट में। हेलो ब्रो कैसे? ओह गलत चौका मार दिया, सॉरी बट ठीक है। अभी इसका पूरा मुंह गंदे वाला कट चुका है भाई। पहला नाइफ मैंने जान मुझके नहीं मारा था, वो गलती से थोड़ा ऊपर खड़ा था ना इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहां लग गया, बट ठीक है। अभी अपना नाइफ मैंने दोबारा से नहीं निकाला क्योंकि अभी मैं मारने वाला हूं इसके M416। ठीक है लेट्स गो, बाय बाय। ओ भाई मरते मरते भी अड़ंगी मार रहा सीढ़ी पे गिराने के लिए, भाई ये लगी। वैसे गाइस एक बारी ना आप लोग यहाँ ऊपर से नीचे का नजारा देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, जहां पर वो पार्टी होने वाली है, मीन्स जहां पर पार्टी चल रही है एकदम मस्त लाइटनिंग वगैरह हो रखी है और शायद से इसी जगह पर डगन बॉस यहां से निकल कर आने वाला है। डगन बॉस अपने निशा, ओ भाई हेलो यार, डगन बॉस मेरे निशाने पे था, ये बंदा कहां से टपक गया? ओ भाई 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 सीढ़ी से गिराया क्या तेरी? ओ भाई हेलो ये टेररिस्ट भाई पूरा अपना एकदम रेंच लेकर आया बेटा, अब नहीं लगनी चाहिए ठीक है ना। मैं पहली, ओ भाई साहब ये बंदा ना मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है, मतलब यार खड़े होते ही सीधा मेरे रेंच मार दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना पहले इससे भाग के थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अब बोल फालतू, इतनी देर से देख रहा हूँ रेंच पे रेंच मारे जा रहा है। अब बेटा मेरी बारे, उठ के दिखा दे, अब तू ऐसा मारूंगा ना सीधा एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा। फिलहाल एकदम मस्त तरीके से मैंने इसे मार डाला है, मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर जान बची है, इसको जब तक मैं पूरा नहीं खत्म कर दूंगा ना। ओ भाई हाँ पर ये दो, ओ एक सेकंड में नीचे, ओ तेरी भाई बहुत ज्यादा ही जान आ रही है ना इसके अंदर, आ जा अब मार के दिखा दे। ए ओ भाई हेलो, मैं इसके एक मार रहा हूँ, ये मेरे दो मार रहा है हर बार, तेरी ऐसे कैसे निकल यहाँ से, अभी इसकी कल ठिकाने आ जाएगी। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया है और फटाफट से ना गाइस हम लोग अपना स्नाइपर का ताना टिका के डगन बॉस को भी मार देते हैं। वो भी यही था, वो वापस तो नहीं अंदर चला गया? हेलो एक सेकेंड, ओ भाई यार वो अभी इस जगह पर आकर बैठ चुका है और ये पूरी की पूरी जगह बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर हो रखी है। ये देखो यहाँ पर ये जो आप ग्लास देख पा रहे हो ना, सारा बुलेट प्रूफ ग्लास ही है यार। हमें इसको बीच रास्ते में ही निपटाना था पर इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंड की वजह से हम लोग रह गए। डगन बॉस है तो अपने निशाने पे, बट मैं अगर बुलेट मारूंगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वहाँ पर पूरा बुलेट प्रूफ ग्लास है और हम लोग उल्टा और गलत फंस जाएंगे। फिलहाल अभी जो भी कुछ हो गया है ना, अभी हम लोग अब चलते हैं एल रूबियो के हिसाब से, क्योंकि यार वो पॉइंट अगर मिस ना होता ना तो अभी हमारा काम खत्म हो चुका होता, बट नहीं हुआ ऐसा। अपनी किस्मत यार बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी खराब थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ कुछ बंदे हैं, मुझे इनको मारना पड़ेगा। यहाँ पर दो बंदों को मालूम पड़ गया था, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, इनका खेल गंदे वाला खत्म करूंगा। वैसे अभी ना फिलहाल इन सब का तो खेल मैंने एकदम बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया, अभी मुझे ज्यादा टेंशन लेने वाले की बात नहीं है। भाई साहब यहाँ पर एक ने, ओ तेरी भाई यहाँ पर तो दो तीन टेररिस्ट अभी मुझे मारने के लिए आ चुके हैं। मुझे पहले यहाँ पर ना कवर ले लेना चाहिए, लग रहा है भाई अभी ना इन्होंने मस्त वाला फायर कर दिया है, इसीलिए ऑलमोस्ट हर एक बंदे को मालूम पड़ चुका है कि मैं यहाँ पर अपना ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। इस बंदे को भी मैंने अपना मार दिया, यहाँ पर एक बंदा और था इसे भी मैंने डाउन कर दिया, लेट्स गो। बट अभी यहाँ पर और भी काफी सारे बंदे हैं, मुझे थोड़ा बहुत ना पीछे ही रहना पड़ेगा और कवर लेकर इनसे फाइट करनी है। वैसे गाइस देखो बिना फिलहाल शोर तो मची चुका है, मैं एक काम करता हूँ अपनी M249 बाहर निकाल लेता हूँ। अब आ जाओ बेटा जिसको आने, ओ एक एक सेकंड, मैं गलती से यार भाई मैं तो यार बहुत बुरी तरह इसके ऊपर से फिसल चुका हूँ और पानी की वजह से मैं सीधा भी नीचे जाने वाला हूँ और ये हो गई है बहुत बड़ी गड़बड़। ओ भाई नीचे नहीं, ओ भैंस की मैं स्विमिंग पूल में आके गिर चुका हूँ और अभी ना गाइस बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है। मैं सोच रहा था कि मैं उनसे साइलेंटली लड़के निपटा के उसके बाद डगन बॉस को आके मारूंगा, बट अभी तो मैं सीधा नीचे पानी में आके गिर चुका हूँ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैं बहुत ही बुरे वाला फंसने वाला हूँ क्योंकि अभी तक उन टेररिस्ट ने बाकी सभी बॉडीगार्ड्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होगी कि मैं यहाँ पर डगन बॉस को मारने के लिए आया हूँ। फिलहाल एक बारी ना मैं काम करता हूँ, बाहर निकल कर इस पार्टी में मिक्स हो जाऊंगा तो शायद से वो लोग मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। ओ भैंस के मैं सोच रहा था पार्टी में मिक्स हो जाऊंगा, बट एक बारी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इन लोगों ने सभी बंदों को पकड़ लिया है। इस टाइम पर जितने भी बंदे यहाँ पार्टी में आए थे सभी इस टाइम पे हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं। भाई नहीं 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 अभी मुझे भाई फटाफट से एल रूबियो को ही कॉल करके बताना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। बट यार फोन चलाने के लिए भी तो मुझे पहले पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, बट एक सेकंड यहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा गलत सीन हुआ है। भाई 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 ऐसे लग रहा है कि ब्लास्ट हो रहा है, मैं पानी में हूँ इसलिए मुझे इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा। एक बार ओ भाई यहाँ पर तो इन लोगों की बहुत जबरदस्त फाइट हो चुकी है, एल रूबियो अपनी पूरी फोर्स लेकर यहाँ पर, ओ भैंस की डगन बॉस वहाँ पे डाउन हो चुका है। ओ भाई 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 लग रहा है एल रूबियो ने डगन बॉस को मार डाला भाई, बट ये जो ग्लास है ये तो बुलेट प्रूफ है, उसके पार बुलेट्स तो जा ही नहीं रही। पहले मैं पीछे निकलता हूँ क्योंकि भाई ओ भाई
यार रूबियो को देखो भाई साहब, एकदम ही पागल हो गया, आरपीजी चला रहा सीधा उसके ऊपर। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल ये जो लड़ाई है बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो चुकी है, और मेरे हिसाब से एल रूबियो के बॉडीगार्ड्स ने मिलके ना डगन बॉस को भी मार डाला। बट यार नहीं, मैं गलत हूँ, डगन बॉस अभी भी जिंदा और आराम से वहां पर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा है। भाई उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि वो मरेगा, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा ही तगड़े बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा हुआ है। ये लड़ाई में भाई कोई भी मारा जा सकता है कभी भी। आरपीजी यहाँ पर धड़ाई धड़ बजाए जा रहे हैं। मैं एक बारी कोशिश करता हूँ अपने स्नाइपर। ओ भाई एक सेकंड, ओ तेरी भाई ये क्या क्या, ओ भाई ये लोग कहाँ, ओ तेरी भाई एक भी शॉट गलत आया ना, मतलब एक भी शॉट सही आया तो हम लोग गंदा मार जाएंगे। इसको नहीं मार पाएंगे भाई, इसको मारना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है भाई साहब। इस टाइम पर मैं लेस्टर को कॉल करूँ, किसे कॉल करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई अभी कौन अपनी हेल्प कर पा। हाँ एक काम करता हूँ, बिग माफी के भाई को कॉल करता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई उसी की वजह से हो रही है मेनली, तो उसका होना जरूरी है, वही अपनी हेल्प कर पाएगा इस टाइम पे। तो गाइस देखो ये जो लड़ाई है ना, कसम से मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं बिग माफी के भाई को कॉल करूँ, क्योंकि यार अपने बंदे जो है ना एक एक करके डाउन होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी आरपीजी चला रहे हैं और अपने बंदे यहाँ पर भाई जल जल के मर रहे हैं उनकी आरपीजी से। उनके पास तो अच्छा खासा कवर है, बट अपने पास अच्छा खासा कवर नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करके भाई, सब लोग रीलोड कर लो फटाफट से। भाई देखो हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे, मैं फटाफट से एक काम करता हूँ भाई, कॉल ही करता हूँ बिग माफी के भाई को, कोई और ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से कॉल पे बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि तुम ना जल्दी से मेज बैंक टावर के सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर आ जाओ। वो वहीं पर खड़े होकर पूरी की पूरी फाइट देख रहा है। वैसे एक सेकंड, ये यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति कैसे होगी झटके से, अभी तो धड़ाई धड़ यहाँ पर आरपीजी चल रही थी। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गलत सीन हुआ है, यहाँ पर अपना टैंक भी पलटा हुआ है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने सारे बंदे ना मारे जा चुके हैं। सारे बंदे छोड़ो भाई, इन लोगों ने तो एल रूबियो को ही पकड़ लिया भाई। डगन बॉस पूरा एकदम चिल, मेरे को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदे हैं ना, ये यहाँ पर शायद से अब मेरे को ही ढूंढ रहे हैं भाई। फटाफट मैं यहाँ से साइड से निकल लेता हूँ सीधा मेज बैंक टावर के लिए। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बुरा फंस सकता हूँ। तो अगर अभी मैं चुपचाप साइड से निकल लूंगा ना, तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आगे चल के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल यार यहाँ से क्या ही नज़ारा आ रहा है यार नीचे सिटी का, बट मुझे अभी यार वो सब चीज़ें नहीं देखनी। फटाफट हम लोग यहाँ से जंप मारते हो भाई, अभी तो मैं सीधा नीचे ही चले जाता। वैसे गाइस यार मुझको काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि हम लोग एल रूबियो को नहीं बचा पाए, डक्कन बॉस ने उसे पकड़ लिया है, और अभी वो उससे अपनी सारी दुश्मनी निकालेगा, वो भी बहुत गंदी तरह। यार सामने ये जो दीवार है इसे तो मैं टाप नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ना यहाँ से लेफ्ट को जंप मारता हूँ। मुझे ना पहले इसी वाले टावर के ऊपर दोबारा से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एक लॉन्ग जंप मारनी है, मेरे पास पैराशूट तो है, बट वो जो सामने वाली बिल्डिंग है ना जिसपे बिग माफिया का भाई है, उस बिल्डिंग पे पहुंचने के लिए मुझे एक अच्छी खासी हाइट चाहिए होगी, ताकि पैराशूट से मैं जंप मारूं, उसे खोलूं, उसे कंट्रोल भी कर पाऊं। यहाँ पर भी भाई दोबारा बंदे आ गए लग रहा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता इस बिल्डिंग के रूफटॉप पे आ चुका हूं, और यार अभी ना मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है एल रूबियो के लिए, बट यार छोड़ो जो हुआ हुआ, अपनी जान बच की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं देखता हूं आखिरकार बिग माफिया का भाई कौन से टावर की बात कर रहा है भाई, मतलब सबसे ज्यादा चालू तो ये है। ओके तो वो इसी वाले टावर पे खड़ा हुआ जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसने मेरे को यही बोला था फोन कॉल पे। अभी फटाफट मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आ गए तो अल्लाह के हाथ ही मुझे पकड़ लेंगे। तो यहाँ से मैं जंप मार के अपना पैराशूट ना तुरंत ही खोल लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें नीचे नहीं जाना है, हल्का सा पास में ही जाना है। फटाफट चलते भाई, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा गलत सीन। मतलब यार सोच के डर लग रहा है, इतनी ज़्यादा आरपीजी चली है, एल रूबियो का जो दिमाग है भाई मानना पड़ेगा, आया तो वो सही तरीके से था, बट दिक्कत ये हो गई कि डगन बॉस ने वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड वहाँ पर लगाई है भाई, उसके वजह से वो बच गया, वरना तो वो कब का मर चुका होता भाई। मतलब कोई चांस ही नहीं थे यार उसके बचने की, क्योंकि पूरी प्लानिंग थी एल रूबियो की। फिलहाल मुझे दूर से तो लग रहा था कि बिग माफिया का भाई है, फिलहाल ये वही दोनों खड़े हुए हैं मुझे सामने नजर आ गए हैं भाई साहब। मतलब इनके दिमाग में, ओ भाई एक सेकेंड, मेरा पैराशूट कहाँ पर भिड़ा है भाई। ओके तो चलो यार अभी फिलहाल मैं जल्दी से चल कर ना इन दोनों से बात करता हूँ। यार मेरा पैराशूट शायद से इस वाली रोड में भिड़िया हो, खैर छोड़ो जो भी है, बात करते हैं पहले इन दोनों से और पूछते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि माइकल तुमने अपना काम कर दिया है, पर अब मेरी बारी है। पर मुझे पता है क्या लग रहा है कि इसका पूरा दिमाग खराब हो चुका है। मतलब कि यार देखो, इसके दोनों के दोनों मेन दुश्मन उस बिल्डिंग में ही है, और ये उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। इसको कोई आइडिया नहीं है कि भाई फिर उसके बाद लॉस सैंटोस का क्या होने वाला है, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी और बाय चांस इस बिल्डिंग पर आ गई तो ये भी वहाँ से गिर पड़ेगी।
भाई 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 मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अभी मैं इसको मना भी नहीं कर सकता और मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो वहां पर कायो पेरिको आइलैंड का मालिक, नॉर्थ एंटन और लॉस सैंटोस का मतलब एक टाइप से राजा, तीनों उस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। और यार अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी तो है यार, देखो वो दोनों मर जाए ठीक है, बट लिबर्टी वाला फ्रेंड यार अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो नहीं मरना चाहिए। लेकिन यार अभी मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डगन बॉस बच गया ना तो भाई वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए भाई जो बिग माफिया का भाई कर रहा है इसे करने दो, ये बिल्कुल सही कर रहा है। तो चलो गाइस फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मुझे नहीं पता अभी किस तरीके से तबाही मचाने वाला है, बिल्डिंग गिरेगी, क्या होगा भाई, जो भी है बहुत गलत होने वाला है। तो यार मुझे आप लोग कमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि आपको आज का वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.5 मिलियन लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।